ठीक है, एट लॉज ऑफ लाइफ फॉर सक्सेस। ठीक है, सबसे पहले परसिस्टेंस, सबसे नीचे जो है वो क्या है, परसिस्टेंस। दूसरा रेस्ट, तीसरा पॉजिटिविटी, चौथा अपॉर्चुनिटी, देन ग्रेटफुलनेस, इंटेंशन, चॉइसेस, जॉब यू लव। बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये आठ चीजें आपके अंदर होंगी ना, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छे इंसान से मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उसमें जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। अभी आप लोगों के लिए वो आईएएस का एग्जाम होगा, पीसीएस का एग्जाम होगा, जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे होंगे वो होगा। कोई इलेवन ट्वेल्थ में तो भैया इलेवन ट्वेल्थ का एग्जाम होगा। बट दीज थिंग्स यू शुड इंक्लूड इन योर लाइफ। अब आप कहोगे सर हम तो अभी कोई जॉब ही नहीं करते हैं। भाई तुम अभी क्या करते हो? तुम अभी जो तुम्हें सिंगिंग पसंद है, तुम्हें कुछ पसंद है तो उसको अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा डालो। परसिस्टेंस तो आपको पता ही है, यूपीएससी में कितनी जरूरी है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में कितनी जरूरी है। पॉजिटिव रहो, थोड़ा सा रेस्ट भी लेते रहो, ग्रेटफुल भी रहो। जैसे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ बन जा रहे हो, तो ग्रेटफुल भी रहो चीजों के लिए। चॉइसेस हमेशा अच्छे से चूज करो। एक दिन मैंने आपको कहा था, बताया भी था किस तरीके से आप अच्छी चॉइसेस जो है वो चूज कर सकते हैं। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं, तो हमने एक दिन उसके बारे में डिस्कस किया था। और वो वाला जो पूरा पेज था वो मेरे द्वारा खुद लिखा गया था, आई थिंक आपको याद होगा, मैंने आईपैड पे लिख के आपको दिखाया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बिना समय गवाए, समय व्यर्थ किए हुए। वैसे भी आप थोड़ा सा लेट हो चुका है, कोई नहीं, लेट हुआ है, लेट आए दुरुस्त आए वो बोलते हैं ना, कोई इशू नहीं है। सेशन तो अपन को करना है, वो अपन करेंगे। एक बार बस चेक कर लूँ मैं चीज़ें कि सब ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस बात का, जाइए इसको डाउनलोड करिए। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आप इनसे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए। यहाँ पे अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस का, आइकॉनिक का, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। यहाँ पे इस कोड को यूज करिएगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस तो मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट मेंटरशिप के साथ। अब आइकॉनिक एंड प्लस में अंतर क्या होता है, देखो बहुत बेसिक सिंपल सा अंतर है। अंतर बस इतना सा है कि जो प्लस होता है उसमें आप टीचर से पर मतलब डाउट नहीं रिजॉल्व कर सकते हो, बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको जिस भी टीचर से जो भी डाउट होगा वो आप समय समय पे उनके साथ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप प्राइजेस देखना चाहें देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हमने जो है अभी प्रीलिम्स के मद्देनजर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हम 6 मंथ के अंदर आप लोगों के लिए जो यूपीएससी प्री का कोर्स है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। 28 ऑफ दिसंबर से ये कोर्स जो है वो स्टार्ट होंगे, तो जाइए इन कोर्स को इनरोल करिए जल्द से जल्द, एंड इनसे पढ़ के जो फायदा आपका हो सकता है उसको फायदा प्राप्त करने की कोशिश करिए। ठीक है, सेकेंड चीज जो है वो ये है, ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी की प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस नाम से प्रोफाइल मिलेगी मेरी, और ये फोटो वहां पे दिखेगी, आप जाइए फॉलो करिए। यहाँ पे मेरी डेली स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है 9 AM पे, मतलब वीक में 4 डेज तो होती है। और टेलीग्राम पे आप मेरे जोड़ सकते हैं अगर इस सेशन के आपको PDF चाहिए। ठीक है, तो ये सारी हमारी रामायण हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। एक एडिटोरियल आज हम ये डिस्कस करेंगे। आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे फार्म लॉ से रिलेटेड एडिटोरियल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर वापस से क्यों रिपीट कर रहे हैं? इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं, इसलिए इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये भी देख लिया जाएगा, ये भी देख लिया जाएगा, ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, कोई मतलब नहीं है, इधर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, बढ़ते हैं एडिटोरियल्स की तरफ। सबसे पहला देखो जो आर्टिकल आया है वो आया है द फार्मर प्रोटेस्ट ट्रूथ एंड हाफ ट्रूथ। देखो इस वाले आर्टिकल के अंदर ना आपको कुछ नए पॉइंट्स देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग फार्म लॉस, और हम उसी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नए पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, और इन नए पॉइंट्स में कुछ नया पर्सपेक्टिव आप डेवलप कर पाएंगे तो उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, माइक मुझे नजर, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, द फार्मर प्रोटेस्ट ट्रूथ एंड हाफ ट्रूथ। देखो सबसे पहले ना, हम इस आर्टिकल के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, अपने को वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैंने सीधे सीधे वो पॉइंट्स उठाए जो यहाँ पे कुछ नए लगे हैं और जो कुछ बात अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आरटीआर के बारे में एक बहुत विलन टाइप की छवि अभी बन गई है कि जो आरटीआर होते हैं वो एज ए कॉमन बीच में कमीशन एजेंट की तरह काम करते हैं, और आरटीआर जो है वो जो किसान है उससे कुछ कमीशन लेते हैं, जिसके वजह से जो किसान मतलब क्या बात, क्या पर्सपेक्टिव क्या आ रहा है सामने, पर्सपेक्टिव ये आ रहा है
कि भैया किसान की फसल है, किसान सरकार को बेचना चाह रही है, तो बीच में आरटीआई क्यों आ रहे हैं, ये कमीशन एजेंट्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे राइटर जो है वो आरटीआई की इमेज को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर यहाँ पे ये बोलेंगे इस आर्टिकल में कि भैया जो ये मिडिल मैन है ना, ये ऐसा नहीं है कि विलेन है जो आज की डेट में एज ए क्रिएट किया जा रहा है, एक हाइप करी जा रही है। इसका कारण क्या है कि ये ना जो आरटीआई वाला फंक्शन है वो तो करते ही करते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब फार्म लॉस पढ़ाए थे, मैंने आपको बोला था जो आरटीआई होते हैं इनका फार्मर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, फार्मर के फैमिली रिलेशंस होते हैं इनके साथ। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो आपके बैंक होते हैं वो लोन नहीं देते हैं किसानों को, बट आरटीआई जो है ये उधार दे देते हैं। भाई आप जाओ खेती करो, शादी करानी है आपको शादी कराओ, आपने भी आसपास ऐसा देखा होगा। तो बिसाइड हेल्पिंग इन दिस वाला वर्क, ये बेकिंग में उनकी मदद करते हैं, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन, उनको नॉलेज पावर को, उनको कोई जानकारी चाहिए होती है किसानों को इनके पास आते हैं, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स भी ये लोग बेचते हैं तो किसान इन्हीं से खरीदते हैं, और पैसा लेना मनी लेंडर का काम तो ये लोग करते ही हैं। अब यहाँ पे देखो मेन बात हो रही है पंजाब और हरियाणा की, पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो उधर ही सबसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे राइटर का ये कि मेरी आरटीआई टुडे जो है ना वो जाट एंड सिख हैं, जो आरटीआई भी हैं साथ साथ किसान भी हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज अभी आरटीआई के बारे में प्रचलित हो रही है कि भैया ये बीच में कमीशन एजेंट हैं और ऐसा ऐसा, तो ऐसी बात नहीं है। जो आपके आरटीआई हैं मोस्टली वो किसान भी होते हैं, मैं भी ऐसे 3-4 आरटीआई को जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है हरियाणा में, उसके फैमिली वाले आरटीआई हैं, तो भाई वो खेती भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है जो इमेज सामने आ रही है, पहली चीज। फिर इसके बाद देखो क्या है, एक दूसरा मुद्दा जो है वो एपीएमसी मंडीज के बारे में कहा जा रहा है कि भैया एपीएमसी मंडीज में कमीशन ली जाती है। आपको मैंने बताया था कि जब किसान एपीएमसी मंडी में फसल बेचेगा तो कुछ परसेंट जो है कमीशन आपकी स्टेट गवर्नमेंट रखती है, कुछ परसेंट जो है वो आरटीआई के पास जाता है। हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, याद है नहीं याद है, जल्दी बताओ, याद होना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें भी हमने क्या देखा, इसमें भी हमने यहाँ पे ये देखा कि भैया आप एपीएमसी मंडी में जो सरकार पैसे ले रही है उस पैसे का सरकार क्या करती। कभी कोई एपीएमसी मंडी गया है तुममें से? नहीं गया है तो यूट्यूब पे देखना, प्रॉपर सड़क बनी होती है, प्रॉपर वॉशरूम की व्यवस्था होती है, प्रॉपर ठहरने की व्यवस्था होती है। जब प्राइवेट मार्केट में कल को जाएंगे तो क्या वहां पे रहने की किसान को व्यवस्था देंगे, क्या किसान को खाने पीने की व्यवस्था देंगे, क्या किसान के लिए इस तरीके की पूरी सोसाइटी जो बनी है काइंड ऑफ जो एपीएमसी मंडी में होती है वो वाली फैसिलिटी मिल पाएगी। तो ये जो कहना है कि भैया जो स्टेट के पॉकेट में पैसा जा रहा है, ये बात गलत है, क्योंकि स्टेट उस पॉकेट को अपने जेब में नहीं रख रहा है, वो किसानों के बेटरमेंट के लिए ही लगा रहा है, ऐसा यहाँ पे राइटर बोलते हैं, ठीक है। अब राइटर जो है ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो ट्रूथ इनको लगता है, जो इनको फॉल्स लगता है, जो फॉल्स तो इन्होंने कोई शब्द यूज नहीं किया, इन्होंने हाफ ट्रूथ किया है। हाफ ट्रूथ मतलब जो एक अनजाना बनने की कोशिश करी जा रही है। तो इन्होंने गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ही बोला, इन्होंने फार्मर के पर्सपेक्टिव से ही बोला है, दोनों पर्सपेक्टिव से अपन देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का ट्रुथ क्या है, जो गवर्नमेंट सच बोल रहा है इन राइटर के अकॉर्डिंग। पहला, गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में सही बोल रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने आज तक जब से आप लोग सांस ले रहे हो, ठीक है, जब से आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी है, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी भी भारत में एज ए लॉ था? आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी ये बवाल कर रही है, चाहे कांग्रेस ले लो, सबसे सत्ता में तो कांग्रेस ही रही है, इवन उन्होंने भी कभी भी एमएसपी को एज ए लॉ की तरह इंप्लीमेंट नहीं किया है। एमएसपी हमेशा क्या थी, एमएसपी हमेशा एक पॉलिसी है। क्या है पॉलिसी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज क्या, दिस इज अ पॉलिसी। देखो आपको पता है अपना सेशन बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है, तो एमएसपी को नहीं पता है बता देता हूं जल्दी से। एमएसपी जो होता है किसान को गारंटी होती है कि भैया अगर तुम्हारी फसल का मार्केट में रेट बहुत भी कम हो जाए तब भी हम तुम्हें इतना रुपया तो इस फसल का देंगे ही देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो सच है राइटर के अकॉर्डिंग, कि अगर ये सरकार एमएसपी को एज ए लॉ की तरह नहीं डाल रही है जो किसान चाह रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एमएसपी को एज ए लॉ आज तक किसी ने नहीं किया है, एमएसपी हमेशा एज ए पॉलिसी की तरह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात इतनी हुई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस राइटर जो बोलते हैं कि देखो भाई और भी चीजें तो मार्केट में फ्लक्चुएट होती हैं, अब यहाँ पे मेरे ओपिनियंस नहीं है, सॉरी मेरे पर मत ठोक देना आप लोग। यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि और भी चीजें तो मार्केट में फ्लक्चुएट होती हैं कि नहीं होती। गाड़ियों का दाम बढ़ता है घटता है, सोने का दाम बढ़ता है घटता है, तो क्या जो सोने इंडस्ट्री में जो बंदे हैं अगर सोने का दाम कम हो जाए तो उनको नुकसान नहीं होगा? तो कल को भाई वो भी कहें हमें भी सपोर्ट चाहिए, कल को दूसरे इंडस्ट्री वाले भी कहें जहां पे मार्केट फ्लक्चुएशन होता है।
तो राइटर बोलते हैं मार्केट का फ्लक्चुएशन होने दीजिए, और जैसे कि सारा सेक्टर मार्केट फ्लक्चुएशन एक्सेप्ट करता है, सारा सेक्टर जो है मार्केट फ्लक्चुएशन से गुजरता है, तो सेम जाना चाहिए हमारा इसमें भी। और किसानों को भी इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसको होने दें, उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू द राइटर। ऐसा गवर्नमेंट का ट्रुथ है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड ऑल्सो ओबे मार्केट फ्लक्चुएशन, देयर विल बी गुड ईयर्स एंड बैड ईयर्स, कभी आप बहुत कमाओगे कभी हल्का कमाओगे, एंड एग्रीकल्चर मार्केट फंक्शन एवरीवेयर। ठीक है, ये सब बातें लिखी हुई है। इसके बाद देखो एक हमारा जो वो वाला था जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला कि फूड स्टोरेज कर सकते हैं, तो राइटर बोल रहे हैं कि भैया अब हमारे देश में फूड शॉर्टेज नहीं है। तीसरा वाला बिल क्या था, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कि आप भैया स्टोरेज कर सकते हो, तो उसी के पक्ष में राइटर लिखते हैं कि जब देश में फूड स्टोरेज की कमी थी, देश जब सेल्फ सफिशियंट नहीं था फूड ग्रेन्स के लिए, हम बाहरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहते थे, तब समय दूसरा था। अब तो ऐसी बात नहीं रह गई है ना, आज तो हम लोगों ने भैया मतलब भर का काम कर लिया है, मतलब भर के पैसे हमारे देश में किसानों के पास है, मतलब भर के जो आपके हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अनाज, हाँ अनाज जो है वो हमारी सरकार के पास स्टोर है, और लोगों के पास हम लोग इतना सफिशिएंट हैं कि भैया हम लोग जो है 2-3-4-5 साल किसी बिना कंट्री के सहारे भी अपना देश आराम से चला सकते हैं। ये सब क्या है, इन सबको कनेक्ट किया करो, तुझे सीधे कनेक्ट किया करो आत्मनिर्भर भारत से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अब ये सही है, जब पहले जरूरत नहीं थी, जब देश में हालत खराब थी तब ठीक है आप फूड स्टोरेज नहीं करने अलाउ कर रहे थे, बट अब तो करो भाई, अब तो सही है। ठीक है, इसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसकी भी यहाँ पे राइटर जो है तारीफ कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी देख रहे हैं, जब गवर्नमेंट की तरफ से चश्मा इन्होंने पहना है तब ये बात ऐसी कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज ऑल्सो गुड, आप जो है किसान अपने जगह से निकल निकल के बाहर भी जा सकते हैं, और कोई कोई किसान जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दे सकते हैं अपनी जमीन, भैया तुम खेती करो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो राइटर जो है वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है किसानों को पैसा नहीं मिलता, सब्सिडी नहीं मिलती, ऑलरेडी फार्मर्स जो हैं उनको ह्यूज सब्सिडी मिलती है स्टेट से 2-2.5% ऑफ जीडीपी की। ठीक है, राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ह्यूज सब्सिडीज फ्रॉम द स्टेट टू द ट्यून ऑफ 2-2.5% ऑफ जीडीपी, और अगर इसको आप कंपेयर करोगे विश्व के अलग अलग देशों से, जो बड़े बड़े देश हैं वहां पे भी किसानों को इतनी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाती है। एग्जाम्पल देखो राइटर ने कोट किया है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, लैटिन अमेरिका है, जापान है, तो इंडिया के अंदर जो सब्सिडी की रेंज है ना वो 45-50 बिलियन डॉलर है, वहीं यूएस के अंदर वो 20 बिलियन है और ईयू के अंदर 39 बिलियन है, जापान के अंदर 46 बिलियन है। तो देखने को क्या मिला कि इंडिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है किसानों को कंपेटिवली वर्ल्ड की अलग कंट्रीज, इसमें कनाडा जैसे का तो नाम नहीं सबसे ज्यादा बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं राइटर जो है वो कह रहे हैं हाफ ट्रूथ्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स जो है वो क्या बात, हाफ ट्रूथ है मतलब आधी बात सच है आधी बात सच उनकी नहीं है, मतलब काइंड ऑफ जो कहने का मतलब यही है राइटर का कि गलत जो बात कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स वो क्या कर रहे हैं। तो दो ही बात इन्होंने यहां पे उठाई है, पहली ये जो एमएसपी के चक्कर में अभी बवाल हो रहा है, तो अब किसान का डिमांड क्या है कि एमएसपी को लॉ की तरह डालो, लेकिन वही राइटर जो है वो यही कहना चाह रहे हैं कि भैया आज तक कभी एमएसपी एज ए लॉ नहीं आया है और पूरे विश्व में एमएसपी लॉ की तरह किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है, तो ये डिमांड करना कि एमएसपी को एज ए लॉ लिया जाए ये अच्छा बात नहीं है, और ये एक आप कह सकते हो कि रीजनेबल चीज नहीं है। आप यहाँ पे कहिए कि एमएसपी डालिए, एमएसपी करिए, एमएसपी को एज ए पॉलिसी की तरह इंप्लीमेंट करिए, बट इसको कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता है और ये डिमांड करना जायज नहीं है अकॉर्डिंग टू द राइटर। दूसरा क्या है, दूसरा राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ समय पहले किसान जो हैं एक बात कर रहे थे, बीच में आंदोलन टाइप का छिड़ गया था जिसमें किसानों ने ये कहा था कि बहुत सारी फसलें जैसे कि शुगर एंड एसेट्रा एसेट्रा वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी बिक रही हैं, बट हमें मजबूरन एपीएमसी मंडी में बेचना पड़ता है। ये कुछ समय पहले किसानों का तर्क होता था, जो आज कुछ संस्थान जो है अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है फार्म बिल्स के, उन्हीं में से कुछ का ये कहना था। बट अब क्या हुआ, अब जब सरकार ने आपको अलाउ कर दिया कि भैया ठीक है तुम एपीएमसी मंडी के बाहर जाके भी बेचो, तो अब बवाल क्यों हो रहा है, ये राइटर यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं। अब राइटर जो है वो गवर्नमेंट की कमियां बता रहे कि गवर्नमेंट जो है भैया क्या बात गुमराह कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो राइटर ने यहां बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये ठीक है कहने के लिए बड़ा अच्छी बात है जो सेकंड वाला बिल था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जमीन ही वापस ना करे, किसान जो होता है भैया गरीब होता है
वैसे ही छोटे मोटे पंगों में फंस जाते हैं बेचारे किसान, तो बड़ा लंबा चलता है वो पंगा। अब जब उनकी जमीन का पंगा भी फंसेगा तब और समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये बात यहां पे करी गई। इसके बाद क्या है दूसरी चीज यहाँ पे, ये हमने देखो एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था, वही बात है कि देश में भैया हर किसान जो है वो एपीएमसी मंडी में जाके फसल नहीं बेच रहा है। तो आप ये तो यही करते कि क्यों नहीं बेच रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आता है और किसान उस कॉस्ट को हर कोई बियर नहीं कर सकता। तो आपको या तो इससे बेटर तो ये था कि आप एपीएमसी मंडी बनाते हर जगह जगह और किसान इसलिए जाके फिर वहां पे फसल बेचता। तो ये बात यहाँ पे राइटर जो है ये दोनों बात करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, पॉलिटिकल ट्रुथ अबाउट, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है राइटर ने, और मतलब ये पढ़ने में बड़ा मजा आया। आप जब पढ़ोगे इसको तो बड़ा अच्छा लगेगा आर्टिकल, अच्छा इंतजार, अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें देखो किसी एक पार्टी की मतलब किसी एक पक्ष को नहीं लिया, इन्होंने फार्मर्स के पक्ष में बात लिखी है, इन्होंने आपके गवर्नमेंट के पक्ष में बात लिखी है, पर इसमें इन्होंने जो लॉजिक्स दिए ना वो बड़े अच्छे हैं, मतलब समझ लो जैसे कि डिफरेंट है। ठीक है, तो एन अनकंफर्टेबल ट्रूथ लूम्स अबव ऑल दिस बट इट कन्वेंटली इग्नोर्ड बाय मोस्ट। राइटर बोलते हैं कि भैया एक जो सच्चाई है वो बहुत ज्यादा सबसे मतलब बिल्कुल ऊपर रहनी चाहिए, लेकिन वो चीज जो है सब लोग इग्नोर करते हैं। सच्चाई क्या है कि भैया देश के अंदर हर सेक्टर जो है बेनिफिट उठा रहा है। अब राइटर उसका एग्जांपल देंगे, ध्यान से सुनते चलिएगा। एग्जांपल, फार्मर को बेनिफिट मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चीप है, फर्टिलाइजर और बहुत सारे जो अलग अलग स्कीम सरकार चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है भैया, हेल्थ स्कीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, घूमने को मिलता है, उसमें टिकट के प्राइस मिलते हैं बहुत सारे, जैसे पापा मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आई नो, बहुत सारे पर्क्स होते हैं, मिनिस्टर्स बेनिफिट, सरकार के जो अपने मिनिस्टर्स हैं बेनिफिट होता है भैया, इनको पेट्रोल मिलता है, इतने रुपए मिलते हैं, बहुत सारी चीजें और पर्क्स है, रहना खाना सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉर्पोरेट बेनिफिट मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, ठीक है, आर्म फोर्स में जो बेनिफिट है, आर्म फोर्स में आपको पता है जो मिले, एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सारे बेनिफिट होंगे, बट आर्म फोर्स में जो कैंटीन का सिस्टम होता है आपको पता होगा, तो उसमें भैया बहुत सस्ते दामों में जो चीजें हैं वो आपके आर्म फोर्स के ऑफिसर्स को अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में बेनिफिट्स हैं, इसके बाद प्रिजंस के अंदर बेनिफिट हैं। तो राइटर यहां पे ये कह रहे हैं कि भैया भारत के अंदर जो है ना हर कोई बेनिफिट उठा रहा है, लेकिन मुद्दा क्या होता है ना, जब दूसरे की बात आती है तब कोई कुछ नहीं बोलता, जब अपने की बात आती है तभी सब बोलना शुरू करते हैं। ये यहां पे राइटर ने लिखा है, व्हेन अ पर्टिकुलरली सब्सिडी इज विथड्रॉन द पॉपुलेशन दैट वाज बीइंग सर्वड बाय इट विल प्रोटेस्ट। ठीक है, लाइक जैसे इन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी हेल्थ सिक्योरिटी वाली स्कीम को शटडाउन कर दिया जाए, तो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं आपके आईएएस आईपीएस सब लोग जो हैं भैया आ जाएंगे सड़क पे, उस पर बवाल करेंगे। तो ये चीज कहने का मतलब है राइटर का कि भैया भारत के अंदर हर सेक्टर जो है अपना अपना पक्ष जो है वो ले रहा है, पर यही होता है ना कि दूसरों की चीज सबको बुरी लगती है, अपनी बात आती है तो बड़ा दिक्कत होता है, तो वो वाला मसला यहाँ पे राइटर लास्ट में जो है कंक्लूड करते हुए बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल आया हो आपके दिमाग में, समझ में आया। चलिए इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, प्रोवोकेशन ट्रैप। प्रोवोकेशन ट्रैप जो है ये आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। ये देखो यूएस और ईरान की रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। पहले तो थोड़ा सा P5+1 नेशन डील क्या है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक डील थी जिसका नाम था P5+1 या फिर JCPOA या फिर ईरान न्यूक्लियर डील। JCPOA की फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान न्यूक्लियर डील की फुल फॉर्म कुछ है नहीं। P5 मतलब परमानेंट 5 ऑफ UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे है वो जर्मनी प्लस, जो P5+1 बोलते हैं ना उसमें एक के जर्मनी हटा दो, बाकी सब क्या है P5 कंट्रीज हैं, यूएन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स और एक आपका कौन हो गया जर्मनी। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर। यहां पे देखो अभी क्या हुआ है, आपको याद होगा अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक पे या ट्विटर पे फॉलो करते होंगे तो उन्होंने अभी एक कल या परसों एक ट्वीट किया था, मैंने देखा था और उस समय एडिटोरियल भी नहीं आया था कि जो रॉकेट जो अभी अटैक हुए हैं, अपना तो सुन ही लिया होगा आपने कि यूएस की जो एम्बेसी है बगदाद के अंदर वहां पे अटैक करने की कोशिश करी गई थी, तो उसमें जो रॉकेट्स यूज किए गए थे ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो ईरान के द्वारा दिए गए हैं या ईरान के द्वारा प्लान किए गए हैं, ईरान के यहां से वो रॉकेट्स आए हैं। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, द रॉकेट अटैक्स ऑन द यूएस एम्बेसी इन बगदाद ऑन संडे व्हिच अमेरिकन मिलिट्री लीडर्स कॉल्ड द लार्जेस्ट अटैक ऑन द हाईली फोर्टिफाइड ग्रीन जोन।
ये ग्रीन जोन क्या है, पहले थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। ये देखो आपका पहले नक्शा देख लो भैया, ये बगदाद हो गया, इधर तेहरान हो गया, ये ईरान है, ये इराक है, ईरान इराक को साथ ही सुना करो, समझा करो। कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा जब वो कासिम सुलेमानी वाला इंसिडेंट हुआ था, मसला था ईरान और यूएस के बीच में, लेकिन बीच में फंसा कौन था, इराक। ठीक है, चलो फिर इसके बाद एक बार और ये ग्रीन जोन देख लो। ये आपका देखो ग्रीन जोन मतलब क्या है, ग्रीन जोन के अंदर अमेरिका के जो एम्बेसीज हैं यहाँ पे बगदाद के अंदर और बहुत सारी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस आर्टिकल के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उन्होंने बोला कि भैया इसके पीछे कौन है, ईरान है। ठीक है, क्यों बोला, मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट पहले समझा देता हूँ, समझ लेना। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है एक साइंटिस्ट जो है ईरान का, उसको मार दिया गया था, और उस समय भी एडिटोरियल आया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रोवोक करना चाह रहे हैं। क्यों प्रोवोक करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाइडेन साहब जो है वो अब आएंगे प्रेसिडेंट की तरह, डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी जो है ईरान पसंद नहीं था, तो इसराइल की मदद से उस साइंटिस्ट को असैसिनेट किया गया था, और इसलिए किया गया था कि ईरान जो है उसका जवाब दे, जिससे कि यूएस एंड ईरान की रिलेशन खराब हो। फिर बाइडेन जब आए तब फिर कोई रिलेशन जो है सुधर ना पाए, तो अभी उसी को रेसिप्रोकेट करते हुए ईरान ने यह हरकत करी है, जिसको इस आर्टिकल के अंदर जो है राइटर कहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि यार आपको मौका तो देना चाहिए बाइडेन को, बाइडेन आएंगे क्या पता रिलेशन सुधरे, अगर आप इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देंगे तो फिर किस तरीके से रिलेशन सुधरेगा। कुछ दिन पहले ईरान ने ये भी कहा था कि हमें भैया P4+1 कोई सी भी डील दे दो या P5+1 दे दो, हम तैयार हैं, हमारे ऊपर से सैंक्शन हटा लो, लेकिन अगर इस तरह की गतिविधि ईरान के द्वारा करी जाएगी तो भी समस्या है, पर ईरान इस तरह की गतिविधि नहीं करेगा तो भी समस्या है, क्योंकि फिर ईरान के ऊपर प्रेशर माउंट होता है कि यार तुम जवाब नहीं दे रहे हो, तुम कमजोर हो, तुम्हें लोग ऐसे हल्के में ले लेंगे, होता नहीं कोई बार बार आपको मारता रहता है, पीटता रहता है, आप ज्यादा सहने लग जाओ तो लगता है उसको कि भैया बड़े हल्के हो, है ना। ये एक मैरी कॉम का डायलॉग है, मैरी कॉम मूवी का, कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, तो वो वाला मसला है, तो इसलिए जवाब भी देना पड़ता है। तो मैंने आपको शॉर्ट में पूरा आर्टिकल ही बोल दिया है, तो यही सब चीजें इसमें देखो लिखी हुई हैं। जब कासिम सुलेमानी को ईरानी जनरल को मारा गया था यूएस के द्वारा, तो उसके बाद क्या हुआ था, ईरान ने रेसिप्रोकेट किया था इराक के अंदर, यूएस के जो बेस थे, उसके बाद से देखने को मिलता है कि इराक के अंदर जो शिया सपोर्टर लोग हैं और जो शिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, वो इराक के अंदर यूएस के अलग अलग जो भी वहाँ पे बेसेस हैं उस पर समय समय पर अटैक करने लगे, और ये मसला आज का नहीं, काफी समय से चला रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस ने ऑलरेडी अपनी एम्बेसी की साइज वहां पे छोटी कर दी है, स्टाफ को वापस भेज रखा है, और राइटर जो है वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये जो रिलेशन खराब करने की पूरी जिम्मेदारी है ना ईरान और यूएस के बीच में, इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे अच्छी खासी न्यूक्लियर डील चल रही थी, जबरदस्ती बोल दिया भैया कि ईरान न्यूक्लियर डील जो है उसका वायलेशन कर रहा है ईरान, और ईरान से बाहर आ गए, इस डील से बाहर आ गए, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज नहीं थी, है ना। ठीक है, इसके बाद देखो ईरान जो है आपको पता होगा काफी सारे ऑयल टैंकर्स को भी रास्ते में रोकता है, उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। ईरान की प्रॉक्सीज बहुत सारी हैं, प्रॉक्सीज मतलब जो मिलिटेंट संस्थान होती हैं छोटी छोटी, उनको सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं, तो वो लोग इनके थ्रू ये काम करते हैं। उन साइंटिस्ट का नाम देखो था मोहसेन फखरजादा, इनको ही मारा गया था, किसके द्वारा, ऐसा क्लेम किया था ईरान ने कि इसराइल ने मारा है, और इसराइल किसका मित्र है, यूएस का, स्पेशली ट्रंप साहब के मित्र हैं नेतन्याहू जी। तो यहाँ पे ये पूरा इसके पीछे लॉजिक देखा गया था। राइटर लास्ट में यही बोलते हैं कि भैया जो यूएस ने ये हरकत करी थी, इसका जो मेन पर्सपेक्टिव था वो यही था कि ईरान इस तरीके कुछ गतिविधि को अंजाम दे, जिससे कि जब बाइडेन जी आए तो रिलेशन सुधर ना पाए, और वही हुआ, तो अब ईरान को थोड़ा सचेत रहना चाहिए, और एक आध महीने की बात है, January 20 में शायद शपथ लेना है बाइडेन जी को, तो तब तक वेट करें, क्या पता जो बाइडेन जी आए वो डिप्लोमेसी के थ्रू ईरान और इनके रिलेशन सुधारें, और ईरान जो है वापस पटरी पर आए, और उसके ऊपर से सारे सैंक्शन जो है वो हट जाए। तो दिस इज इट गाइस, दिस इज दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है पता है ना, डिसलाइक करना है, ऐसा नहीं यार, जो मन करे कर दो, पर लाइक भी कर देते थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, बाकी तो आपकी मर्जी है। इसके बाद चलो अगला आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, लर्निंग टू लेट गो। इस आर्टिकल को बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, एक सिंपल सा इसमें हम कहानी समझने वाले हैं। भारत के अंदर देखो वोडाफोन वाला केस तो आपको याद ही होगा, न्यूज में भी आया है कि सरकार जो है वोडाफोन से भैया खूब सारा टैक्स वसूलना चाहती थी, लेकिन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने कह दिया कि भैया आप जो है ये पैसा नहीं लोगे।
अब उसके अगेंस्ट में अपील करेगी सरकार, ऐसा तो अभी न्यूज में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे मामला है दूसरी कंपनी का, इस कंपनी का नाम है आपका कैर, यही था शायद सी आई आर है ना, एक बार देख लेता हूँ मैं, कैरन है ठीक है, सी ए आई आर एन ठीक है। मामला क्या था, अपन को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको बस एक बेसिक लॉजिक दे देता हूँ इस पूरे मामले का। सरकार जो है इस फॉर्म से काफी समय से टैक्स का डिस्प्यूट था, सरकार ने इस फॉर्म से जबरदस्ती खूब सारा पैसा वसूल लिया और इनका जो वर्क है यहाँ पे भारत में ढंग से चलने नहीं दिया, जिसके चलते वो मामला खराब हो गया। ये कंपनी जो है ये चली गई कहाँ पे, आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कहाँ पे आपकी हेग में है, हेग में इस कंपनी के पक्ष में फैसला आया आर्बिट्रेशन कोर्ट के द्वारा, और $1.4 बिलियन का डैमेजेस भी देने को कहा है भारत की सरकार को, कैरन कंपनी को ठीक है। अब मामला क्या है, मामला ये कि भैया ये सब तो चलो ठीक है, ये देंगे नहीं देंगे, अभी सरकार डिस्प्यूट कितना लड़ेगी, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब ठीक है। एक तरफ हम चाहते हैं कि भैया हमारा जो इंडिया है वो पूरे विश्व में क्या बने, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बने, जहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट बने, हम चाइना के कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं। बट अगर हम इस तरीके से कंपनियों के ऊपर हरकतें करेंगे जो इंटरनेशनल कंपनी हमारे यहाँ पैसा लगा रही है, तो क्या भैया कल को कोई आएगा? एक सिंपल सा लॉजिक ले लो, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, मुझे पता है कि भैया कोई एक्स नाम की जगह उत्तर प्रदेश में ऐसी है जहां पे मैं चला गया वहां का डीएम जो है बहुत ज्यादा तंग करेगा बिजनेसमैन को, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि लखनऊ है, लखनऊ में कोई दिक्कत नहीं, लखनऊ में बिजनेस करूंगा। तो यही होगा यहाँ पे भी, आप बनना चाहते हो डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल मार्केट, एक तरफ आप भैया वोडाफोन को तंग किए थे वहां भी आपको दिक्कत हुई, इधर आप इनको तंग किए यहाँ भी आपको दिक्कत हुई ठीक है। आपको अभी एक मामला और याद होगा, टेलीकॉम कंपनी के जो एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, क्या चल रहा था कि टेलीकॉम कंपनी, मामला क्या था कि जैसे जो एयरटेल हो गई या फिर जितनी भी इस तरह की कंपनीज हो गई, ये लोग जो पैसा रेवेन्यू इकट्ठा करते थे टेलीकॉम मतलब अपने मतलब जो नेटवर्किंग से, जो हम मोबाइल फोन के सिस्टम है कम्युनिकेशन से, उसका तो इन्होंने टैक्स पे किया, लेकिन इसके अलावा जो और चीजें थी, जैसे कि इन्होंने अपने, आपने देखा होगा कि जो मोबाइल टावर्स होते हैं वो लोग लीज पे दे देते हैं, जैसे कि आधा पोर्शन खुद यूज कर रहे हैं, आधा पोर्शन किसी और कंपनी को दे दिया, इस तरीके की और भी चीजें ये लोग करते हैं। तो इन पैसों को उन्होंने रेवेन्यू ना दिखाते हुए और इसका टैक्स नहीं पे किया था, तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो अलग फंक्शंस थे। तो मामला आपको याद होगा कि भैया कोर्ट में मामला था, तो सरकार जो है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं के पक्ष में फैसला दे दिया था सरकार ये कि भैया इतना पैसा आपको देना है। बट फिर उसमें ये हुआ कि ये कंपनियों ने साफ साफ चेतावनी दे दी कि अगर आप हमसे इतना पैसा एक्स्ट्रा लोगे, ये इसकी बात नहीं हो रही है, मैं आपको वाला केस याद दिला रहा हूँ, अगर आपने कंटेक्स्ट याद होगा तो आप समझ रहे होगे। तो इन कंपनियों ने फिर कहा था कि अगर इतना पैसा लोगे तो भैया हम तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, फिर जियो ही चलाओ इंडिया में, हम सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। इसके बाद फिर सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि आप धीरे धीरे करके इतने साल में इस पैसा को लौटा देना, कोई बात नहीं, क्योंकि भैया अगर ये कंपनियां बंद हो जाएंगी तो फिर से यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म होगा गवर्नमेंट का, और फिर सिर्फ जियो इकलौती कंपनी बच जाती। तो ये तरीके से और भी चीजें हैं, और ये जो है समस्या आज की नहीं है, पहले ही बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे तंग हो चुकी हैं। भारत के टैक्स लॉस को लेके इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी एक अच्छी मतलब वो नहीं रहती, इमेज नहीं रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग, जैसे मैं लॉ स्टूडेंट रहा हूँ, तो हम लोग जैसे लिटिगेशन सॉरी मूट कोर्ट होता है जिसमें ट्रायल होते हैं ऐसे ही डेमो वाले, मतलब बिना कोर्ट के आपस में कॉम्पिटिशन होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। तो एक बार इंटरनेशनल ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का मूट चल रहा था और कुछ लोग वहाँ से हमारे यहाँ आए थे, इंडिया में आए थे, तो मेरी एक किसी से एक से बात हो रही थी, तो उन्होंने सीधे ही बोला कि आपके अंदर टैक्स लॉज, मतलब इंग्लिश में बोला उन्होंने कि टैक्स लॉज आपके यहाँ पे अच्छे नहीं है। तो मतलब ये इमेज है हमारी हर जगह। और लेबर लॉज के लिए तो आपने अभी ये कहानी सुनी रहे हो एप्पल वाली जो भी हुआ है, और ये भी सुनी रहे, तो इस तरीके की चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, मैं समझ रहे हो। चलिए, इस सेशन की पीडीएफ पूछ रहे हैं बहुत लोग, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाना है, लिखना है @unacademy और फिर मानवेंद्र, ठीक है। चलिए, तो फ्रंट पेज ये है द हिंदू का, इसमें कुछ खास आर्टिकल था क्या, ये देख लो, एक इंडिया फाइल्स अपील अगेंस्ट वोडाफोन केस वर्डिक्ट। तो यहाँ भी वही मसला है भैया, यहाँ पे देखो क्या हुआ, डिमांड जो 22,100 करोड़ रुपए की भारत कर रहा था वो मना कर दिया गया था सिंगापुर कोर्ट के द्वारा, जो कि आर्बिट्रेशन कोर्ट है, तो इसके अगेंस्ट में अब अपील करेगी हमारी सरकार कि हमें पैसा चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है इसमें, है ना। इसके बाद क्या है, केरला वॉन्ट्स कैप ऑन सबरीमाला पिलग्रिम्स। हाँ जी, सबरीमाला ये वही टेम्पल है जिसमें बहुत बवाल हुआ था कुछ दिन पहले, ये वही बवाल था जिसमें ये था कि महिलाओं को टेम्पल के अंदर एंट्री जो है वो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इस पर काफी बड़ा डिबेट हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। वर्डिक्ट जब पहली बार आया था 4:1 के वर्डिक्ट आया था,
जिसमें एक फीमेल जज है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये बात बोला था कि महिलाओं को इसमें एंट्री नहीं देनी चाहिए। उनका ये लॉजिक इसके पीछे ये था, वो ये था, चार का तो फैसला था कि भैया देनी चाहिए और वही बात आगे रखी गई, वही मानी भी गई, लेकिन जो वन थी वो वुमेन थी और उनका ऐसा कहना था कि भैया हर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट होते हैं और अगर वहां पे लोग नहीं चाहते हैं या फिर उनके कल्चर में ऐसा नहीं है तो इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। और इसके पीछे एक लॉजिक ये दिया जाता है कि मुझे उनका अभी नाम याद नहीं आ रहा है जिन गॉड का ये टेंपल है, लेकिन उसमें ऐसा बोला जाता है कि ही वॉज ए ब्रह्मचारी सो ही नेवर वॉन्टेड टू गर्ल कि वो उनके पास आए, तो जब वो नहीं चाहते थे तो फिर आज श्रद्धालु क्यों उनके पास जा रही हैं, ऐसा लॉजिक दिया जाता है। पहले ऐसा है, देखो हिंदू रिलीजन में हनुमान जी के लिए भी करते थे कि फीमेल्स जो हैं वो हनुमान जी की पूजा नहीं करती थी, बट विद टाइम थिंग्स आर चेंजिंग। तो ये है, ठीक है, आज का आपका डे ड्रीम का क्वेश्चन है, ये ले लो, है ना। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के रिलीजियस इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को समय समय पर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और एज ए वुमेन एज ए मैन सभी लोग अपने हिसाब से जवाब दीजिए। और जिन सुप्रीम कोर्ट की जज ने ये डिसीजन दिया था, भैया पढ़ी लिखी होंगी, कुछ लॉजिक ही उनका भी होगा, तो उनका लॉजिक भी एक प्रकार से काफी लोगों को सही लगा होगा, कुछ लॉजिक चार वालों को सही लगा होगा जो 4:1 का आया था। तो आज आपका डे ड्रीम का जो क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। मान लो भैया तुम आईएएस हो या कुछ भी हो, तुमसे इंटरव्यू में पूछ लिया, तो डे ड्रीम का क्वेश्चन आपका यही है कि इस तरीके के इंटरफेरेंस जो है सरकार को करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। और एग्जाम्पल आप यही वाला ले लो कि वुमेन्स की टेंपल में एंट्री जो लेके सबरीमाला में मामला हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या न्यूज है तो भूल ही गए अपन, केरला वांट्स कैप ऑन सबरीमाला पिलग्रिम्स। मामला क्या है ना कि देखो यहाँ पे देखो क्या है कि सबरीमाला में लोगों के श्रद्धालुओं की संख्या जो है 5,000 तक करने की बात चल रही थी, इसी के चलते हुए केरला सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि भैया अब तक नया वेरिएंट भी आ गया है COVID-19 का, ये संख्या बढ़ने ना दी जाए, इसको कम करवाएं, ठीक है। तो ये था मसला, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक टीम शुड रिसीव प्रायोरिटी फॉर वैक्सीन, ऐसा एक हाउस पैनल ने बोला है। अ पार्लियामेंट्री पैनल हैज रिकमेंडेड पुटिंग एथलेटिक्स कोचेज एंड सपोर्ट स्टाफ गोइंग टू टोक्यो 21 ओलंपिक्स ऑन प्रायोरिटी ग्रुप्स फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन, ठीक है भाई। बात भी सही है क्योंकि भाई जो खिलाड़ी हैं काफी समय से खेले नहीं होंगे, क्रिकेट विकेट तो चलो हो जाते हैं क्योंकि भैया इतने पॉपुलर गेम है, BCCI के पास इतना पैसा है भारत के अंदर, तो ये सब कंडक्ट करा दिया। लेकिन ऐसे ही भारत में गेम है जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं और जिनका ग्राउंड लेवल पे रियलिटी अच्छी नहीं है, तो उन गेम्स को भी प्रोत्साहन देने के लिए, ऐसे भाई मान लो कोई खिलाड़ी है वो 5-6 महीने से फील्ड पे ही नहीं उतरा है तो भाई वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वैक्सीनेशन हो जिससे जल्द से जल्द ये लोग अपने पुराने वाले लाइफ को पकड़ पाए, ठीक है। क्योंकि क्रिकेट को तो हमने बिल्कुल हवा बना रखा है, चढ़ा रखा है, लेकिन भारत के और गेम कोई पूछता भी नहीं है। इसके बाद एग्रो पार्क टू कम अप इन सिंगूर, ये जगह जो है कुछ साल पहले वेस्ट बंगाल में ये जगह है, आज मैप में जाके देखना कहाँ है, ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में थी। वो ये इसलिए थी 2007-08 के बाद की बात है, टाटा मोटर्स जो है नैनो का प्लांट यहाँ लगाने वाले थे, काफी ज्यादा लैंड भी एक्वायर कर दिया था, बट काफी बवाल होने के बाद और काफी अपोजिशन ने भी इनके अगेंस्ट बवाल किया कि भैया इतनी जमीन आपने ले ली है ये वो, तो टाटा मोटर्स ने फिर उस प्लांट को यहाँ पे लगाया नहीं था। तो वो जो जमीन थी उसी के ऊपर कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक एग्रो पार्क बनाया जाएगा, एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। आज मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इसका जवाब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे डे ड्रीम के बाद। वो ये है कि इंडस्ट्रियल पार्क क्या होते हैं, समझो लिखो, नहीं आएगा तो मैं तो हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद ऑब्जेक्शन टू न्यू मॉस्क अनटेनेबल, ये क्या है। देखो ऐसा शरिया में शरिया, ठीक है, जो इस्लाम का लॉ है शरिया लॉ, उसमें इस तरीके की कुछ चीज लिखी होगी, अब तो को मुझे इतनी इंटरनली नहीं पता है, बट इस आर्टिकल से जो चीज निकली है वो ये निकली है कि बार्टर और एक्सचेंज के अंदर अगर जो मॉस्क मिलती, जैसे अयोध्या मंदिर के साथ देखो क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि अयोध्या मंदिर तो भैया दे दिया जाए, प्लस जो मॉस्क के लिए 5 एकड़ जमीन जो है इस बोर्ड को दी जाए। तो यहाँ पे देखो कुछ लोग जो हैं इसी इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट जो हैं वो ये कह रहे थे कि बार्टर और एक्सचेंज में आपने लिए है जो अयोध्या जमीन, जो राम जन्मभूमि पे जो मॉस्क बनी थी उसके बार्टर और एक्सचेंज में आपने जमीन को लिया है, जो कि सही नहीं है, ये अपने शरिया लॉ के अगेंस्ट में है, ये प्रोहिबिटेड है। तो उसी पे यहाँ पे जवाब दिया गया है, द क्लेरिफिकेशन वॉज इज इशूड बाय द इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। उन्होंने ये बोला है कि भैया ये कोई बार्टर और एक्सचेंज में नहीं आया है,
ये आपको प्रोवाइड करी गई है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने अलग से दिया है, इसमें कोई बार्टर और एक्सचेंज जैसी चीज रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसके अलावा इसमें कुछ और ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। चलिए बढ़े आगे, और कोई भी किसी चीज को रिलीजियसली मत जोड़ा करो। अगर आप लोगों को सीरियसली आईएएस पीसीएस और ये सब देना है, बनना है, तो अपनी इन सब छोटी छोटी चीजों से बहुत ऊपर उठना होगा, और उससे ऊपर उठ के ही आप बन पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरीके के आपके विचार होंगे तो आप सोचोगे कि चलो ठीक है, मेंस में आप एक्टिंग कर लोगे, मेंस में लिख लिख के सब चीज छुपा लोगे, बट इंटरव्यू इंटरव्यू तक नहीं छुपा पाते हो भाई, बहुत लंबा है इस रास्ता है, और कहीं भी आपके इस तरीके के विचार जो हैं अगर सामने आ गए ना, तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है, चाहे बहुत अच्छा आंसर लिख के आ जाओ। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए कि ऐसे विचार ही ना बनाइए, और बाय द वे डेवलप हो गए तो खत्म करिए, और अगर बाय द वे तब भी नहीं जा रहे हैं तो आंसर एंड इंटरव्यू में तो मत ही दीजिएगा, ठीक है। न्यू कोरोना वायरस वेरियंट फाउंड इन नाइजीरिया अफ्रीका CDC, यहाँ पे भैया जो वेरियंट है वो यहाँ भी पाया गया है नाइजीरिया की। एक और न्यूज अभी न्यूज में थी, आपको याद ही होगा, क्या बताऊँ मैं, है ना, ठीक है। ये अपने एग्जाम के तो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन चलो देश दुनिया में क्या हो रहा है पता रखो। IPL में अभी कितनी टीमें खेलती थी, 7 टीमें खेलती थी, है ना, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और RCB, एक और कोई किंग्स इलेवन पंजाब, है ना। अब दो टीम और ऐड हो जाएंगी इस बार से, BCCI पैसा तो कमा ही रही है, क्या जा रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। IPL में अगर दो टीम और खेलेगी तो क्या फायदा है, हमारे IPL की टीमों में ये बात फिक्स है कि एक टीम के अंदर जो 11 प्लेयर होंगे उसमें 7 इंडियन खेलेंगे, 4 फॉरेनर खेलेंगे, ठीक है। अभी तक तो यही है, सुनने में ये आ रहा है कि इस बार 6 इंडियन और 5 फॉरेनर कर देंगे, जो भी हो, तो इससे क्या होगा, जो भारतीय क्रिकेट के टैलेंट है उनको आगे आने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान और गेम्स में भी दे दिया जाता तो भैया फिर क्या बात थी, है ना, आपको बस हटाने में ध्यान रख कि नेशनल गेम हॉकी है, जो कि था भी नहीं, और प्रमोट अमोट ऐसे गेम हो नहीं पाए अपने देश के अंदर, है ना। चलिए तो दिस इज इट गाइस, यही था आज का हमारा सेशन, अपन आंसर राइटिंग वाली चीज डिस्कस करेंगे जो मैंने अभी दिया है, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल एक क्वेश्चन दिया था तो उसमें किसी का आंसर है, ठीक है, 8 लॉज ऑफ लाइफ फॉर सक्सेस, ठीक है। सबसे पहले परसिस्टेंस, सबसे नीचे जो है वो क्या है, परसिस्टेंस, दूसरा रेस्ट, तीसरा पॉजिटिविटी, चौथा अपॉर्चुनिटी, देन ग्रेटफुलनेस, इंट्यूशन, चॉइसेस, जॉब यू लव। बात आपको समझ में आ रही है, अगर ये 8 चीजें आपके अंदर होंगी ना, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छे इंसान से मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उसमें जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। अभी आप लोगों के लिए वो IAS का एग्जाम होगा, PCS का एग्जाम होगा, जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे होंगे वो होगा, कोई 11th 12th में तो भैया 11th 12th का एग्जाम होगा, बट दीज थिंग्स यू शुड इंक्लूड इन योर लाइफ। अब आप कहोगे सर हम तो अभी कोई जॉब ही नहीं करते हैं, भाई तुम अभी क्या करते हो, तुम अभी जो तुम्हें सिंगिंग पसंद है, तुम्हें कुछ पसंद है तो उसको अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा डालो। परसिस्टेंस तो आपको पता ही है UPSC में कितनी जरूरी है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में कितनी जरूरी है। पॉजिटिव रहो, थोड़ा सा रेस्ट भी लेते रहो, ग्रेटफुल भी रहो, जैसे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ बन जा रहे हो तो ग्रेटफुल भी रहो चीजों के लिए। चॉइसेस हमेशा अच्छे से चूज करो। एक दिन मैंने आपको कहा था, बताया भी था किस तरीके से आप अच्छी चॉइसेस जो हैं वो चूज कर सकते हैं। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं तो हमने एक दिन उसके बारे में डिस्कस किया था, और वो वाला जो पूरा पीस था वो मेरे द्वारा खुद लिखा गया था, आई थिंक आपको याद होगा, मैंने iPad पे लिख के आपको दिखाया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बिना समय गवाए, समय व्यर्थ किए हुए, वैसे भी आप थोड़ा सा लेट हो चुका है, कोई नहीं, लेट आए दुरुस्त आए वो बोलते हैं ना, कोई इश्यू नहीं है। सेशन तो अपन को करना है वो अपन करेंगे, एक बार बस चेक कर लूँ मैं चीज़ें कि सब ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस बात का, जाइए इसको डाउनलोड करिए। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आप इनसे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए। यहाँ पे अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस का, आइकॉनिक का, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। यहाँ पे इस कोड को यूज करिएगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस तो मिलेगी डिफरेंट मेंटरशिप के साथ। अब आइकॉनिक एंड प्लस में अंतर क्या होता है, देखो बहुत बेसिक सिंपल सा अंतर है। अंतर बस इतना सा है कि जो प्लस होता है उसमें आप टीचर से पढ़ मतलब डाउट नहीं रिजॉल्व कर सकते हो, बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको जिस भी टीचर से जो भी डाउट होगा वो आप समय समय पे उनके साथ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्राइजेस देखना चाहें देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हमने जो है अभी प्रिलिम्स के मद्देनजर एक
प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें हम 6 मंथ के अंदर आप लोगों के लिए जो यूपीएससी प्री का कोर्स है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, 28 दिसंबर से ये कोर्स जो है वो स्टार्ट होंगे। तो जाइए इन कोर्स को इनरोल करिए जल्द से जल्द, एंड इनसे पढ़ के जो फायदा आपका हो सकता है उसको फायदा प्राप्त करने की कोशिश करिए, ठीक है। सेकंड चीज जो है वो ये है, ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी की प्रोफाइल पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इस नाम से प्रोफाइल मिलेगी मेरी और ये फोटो वहां पे दिखेगी, आप जाइए फॉलो करिए। यहाँ पे मेरी डेली स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है 9 AM पे, मतलब वीक में 4 डेज तो होती है, और टेलीग्राम पे आप मेरे जोड़ सकते हैं अगर इस सेशन के आपको PDF चाहिए, ठीक है। तो ये सारी हमारी रामायण हो चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। एक एडिटोरियल आज हम ये डिस्कस करेंगे, आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे फार्म लॉ से रिलेटेड एडिटोरियल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर वापस से क्यों रिपीट कर रहे हैं, इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं इसलिए इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये भी देख लिया जाएगा, ये भी देख लिया जाएगा, ये पॉलिटिकल आर्टिकल है कोई मतलब नहीं है, इधर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, बढ़ते हैं एडिटोरियल्स की तरफ। सबसे पहला देखो जो आर्टिकल आया है वो आया है द फार्मर प्रोटेस्ट ट्रूथ एंड हाफ ट्रूथ। देखो इस वाले आर्टिकल के अंदर ना आपको कुछ नए पॉइंट्स देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग फार्म लॉस, और हम उसी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नए पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, और इन नए पॉइंट्स में कुछ नया पर्सपेक्टिव आप डेवलप कर पाएंगे तो उसको भी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। माइक मुझे नजर, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, द फार्मर प्रोटेस्ट ट्रूथ एंड हाफ ट्रूथ। देखो सबसे पहले ना हम इस आर्टिकल के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, अपने को वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैंने सीधे सीधे वो पॉइंट्स उठाए जो यहाँ पे कुछ नए लगे हैं और जो कुछ बात अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आरटीआज के बारे में एक बहुत विलन टाइप की छवि अभी बन गई है कि जो आरटीआज होते हैं वो एज ए कॉमन बीच में कमीशन एजेंट की तरह काम करते हैं, और आरटीआज जो है वो जो किसान है उससे कुछ कमीशन लेते हैं, जिसके वजह से जो किसान, मतलब क्या बात, क्या पर्सपेक्टिव क्या आ रहा है सामने, पर्सपेक्टिव ये आ रहा है कि भैया किसान की फसल है, किसान सरकार को बेचना चाह रही है, तो बीच में आरटीआ क्यों आ रहे हैं, ये कमीशन एजेंट्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे राइटर जो है वो आरटीआ की इमेज को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर यहाँ पे ये बोलेंगे इस आर्टिकल में कि भैया जो ये मिडिल मैन है ना, ये ऐसा नहीं है कि विलेन है जो आज की डेट में एज ए क्रिएट किया जा रहा है, एक हाइप करी जा रही है। इसका कारण क्या है कि ये ना जो आरटीआ वाला फंक्शन है वो तो करते ही करते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने आपको जब फार्म लॉस पढ़ाए थे मैंने आपको बोला था जो आरटीआज होते हैं इनका फार्मर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, फार्मर के फैमिली रिलेशंस होते हैं इनके साथ। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो आपके बैंक होते हैं वो लोन नहीं देते हैं किसानों को, बट आरटीआज जो है ये उधार दे देते हैं, भाई आप जाओ खेती करो, शादी करानी है आपको शादी कराओ, आपने भी आसपास ऐसा देखा होगा। तो बिसाइड हेल्पिंग इन दिस वाला वर्क, ये बेकिंग में उनकी मदद करते हैं, ग्रेडिंग सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन, उनको नॉलेज पावर को, अगर उनको कोई जानकारी चाहिए होती है किसानों को इनके पास आते हैं, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स भी ये लोग बेचते हैं तो किसान इन्हीं से खरीदते हैं, और पैसा लेना मनी लेंडर का काम तो ये लोग करते ही हैं। अब यहाँ पे देखो मेन बात हो रही है पंजाब और हरियाणा की, पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो उधर ही सबसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे राइटर का ये कि मेरी आरटीआ स्टूडेंट जो है ना वो जाट एंड सिख हैं, जो आरटीआ भी हैं साथ साथ किसान भी हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज अभी आरटीआ के बारे में प्रचलित हो रही है कि भैया ये बीच में कमीशन एजेंट हैं और ऐसा ऐसा, तो ऐसी बात नहीं है, जो आपके आरटीआज हैं मोस्टली वो किसान भी होते हैं। मैं भी ऐसे 3-4 आरटीआज को जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है हरियाणा में, उसके फैमिली वाले आरटीआ हैं, तो भाई वो खेती भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है जो इमेज सामने आ रही है, पहली चीज। फिर इसके बाद देखो क्या है, एक दूसरा मुद्दा जो है वो एपीएमसी मंडीज के बारे में कहा जा रहा है कि भैया एपीएमसी मंडीज में कमीशन ली जाती है। आपको मैंने बताया था कि जब किसान एपीएमसी मंडी में फसल बेचेगा तो कुछ परसेंट जो है कमीशन आपकी स्टेट गवर्नमेंट रखती है, कुछ परसेंट जो है वो आरटीआर के पास जाता है। हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, याद है नहीं आता, जल्दी बताओ, याद होना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें भी हमने क्या देखा, इसमें भी हमने यहाँ पे ये देखा कि भैया आप एपीएमसी मंडी में जो सरकार पैसे ले रही है उस पैसे का सरकार क्या करती, कभी कोई एपीएमसी मंडी गया है तुम में से, नहीं गया है तो यूट्यूब पे देखना, प्रॉपर सड़क बनी होती है, प्रॉपर वॉशरूम की व्यवस्था होती है, प्रॉपर ठहरने की व्यवस्था होती है। जब प्राइवेट मार्केट में कल को जाएंगे तो क्या वहां पे रहने की किसान को व्यवस्था देंगे, क्या किसान को खाने पीने की व्यवस्था देंगे, क्या किसान के लिए इस तरीके की पूरी सोसाइटी जो बनी है काइंड ऑफ जो एपीएमसी मंडी में होती है वो वाली फैसिलिटी मिल पाएगी।
तो ये जो कहना है कि भैया जो स्टेट के पॉकेट में पैसा जा रहा है, ये बात गलत है, क्योंकि स्टेट उस पॉकेट को अपने जेब में नहीं रख रहा है, वो किसानों के बेटरमेंट के लिए ही लगा रहा है, ऐसा यहाँ पे राइटर बोलते हैं। ठीक है, अब राइटर जो है ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो ट्रूथ इनको लगता है, जो इनको फॉल्स लगता है, जो फॉल्स तो इन्होंने कोई शब्द यूज नहीं किया, इन्होंने हाफ ट्रूथ किया है। हाफ ट्रूथ मतलब जो एक अनजाना बनने की कोशिश करी जा रही है। तो इन्होंने गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ही बोला, इन्होंने फार्मर के पर्सपेक्टिव से ही बोला है, दोनों पर्सपेक्टिव से अपन देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का ट्रूथ क्या है, जो गवर्नमेंट सच बोल रहा है इन राइटर के अकॉर्डिंग। पहला, गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में सही बोल रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने आज तक जब से आप लोग सांस ले रहे हो, ठीक है, जब से आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी है, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी भी भारत में एज ए लॉ था? आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी ये बवाल कर रही है, चाहे कांग्रेस ले लो, सबसे सत्ता में तो कांग्रेस ही रही है, इवन उन्होंने भी कभी भी एमएसपी को एज ए लॉ की तरह इंप्लीमेंट नहीं किया है। एमएसपी हमेशा क्या थी, एमएसपी हमेशा एक पॉलिसी है। क्या है पॉलिसी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज क्या, दिस इज अ पॉलिसी। देखो, आपको पता है अपना सेशन बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है, तो एमएसपी जिसको नहीं पता है बता देता हूं जल्दी से। एमएसपी जो होता है, किसान को गारंटी होती है कि भैया अगर तुम्हारी फसल का मार्केट में रेट बहुत भी कम हो जाए तब भी हम तुम्हें इतना रुपया तो इस फसल का देंगे ही देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो सच है राइटर के अकॉर्डिंग, कि अगर ये सरकार एमएसपी को एज ए लॉ की तरह नहीं डाल रही है जो किसान चाह रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एमएसपी को एज ए लॉ आज तक किसी ने नहीं किया है, एमएसपी हमेशा एज ए पॉलिसी की तरह रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखो बात इतनी हुई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस राइटर जो बोलते हैं कि देखो भाई, और भी चीजें तो मार्केट में फ्लक्चुएट होती हैं। अब यहां पे मेरे ओपिनियंस नहीं है भाई, मेरे पर मत थोप देना आप लोग। यहां पे राइटर बोलते हैं कि और भी चीजें तो मार्केट में फ्लक्चुएट होती हैं कि नहीं होती। गाड़ियों का दाम बढ़ता है घटता है, सोने का दाम बढ़ता है घटता है, तो क्या जो सोने इंडस्ट्री में जो बंदे हैं, अगर सोने का दाम कम हो जाए तो उनको नुकसान नहीं होगा? तो कल को भाई वो भी कहें हमें भी सपोर्ट चाहिए, कल को दूसरे इंडस्ट्री वाले भी कहें जहां पे मार्केट फ्लक्चुएशन होता है। तो राइटर बोलते हैं मार्केट का फ्लक्चुएशन होने दीजिए, और जैसे कि सारा सेक्टर मार्केट फ्लक्चुएशन एक्सेप्ट करता है, सारा सेक्टर जो है मार्केट फ्लक्चुएशन से गुजरता है, तो सेम जाना चाहिए हमारा इसमें भी। और किसानों को भी इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसको होने दें, उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द राइटर। ऐसा गवर्नमेंट का ट्रूथ है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड ऑल्सो ओबे मार्केट फ्लक्चुएशन, देयर विल बी गुड ईयर्स एंड बैड ईयर्स, कभी आप बहुत कमाओगे कभी हल्का कमाओगे, एंड एग्रीकल्चर मार्केट फंक्शन एवरीवेयर। ठीक है, ये सब बातें लिखी हुई है। इसके बाद देखो, एक हमारा जो वो वाला था जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला की फूड स्टोरेज कर सकते हैं, तो राइटर बोल रहे हैं कि भैया अब हमारे देश में फूड शॉर्टेज नहीं है। तीसरा वाला बिल क्या था, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कि आप भैया स्टोरेज कर सकते हो। तो उसी के पक्ष में राइटर लिखते हैं कि जब देश में फूड स्टोरेज की कमी थी, देश जब सेल्फ सफिशियंट नहीं था फूड ग्रेन्स के लिए, हम बाहरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहते थे, तब समय दूसरा था। अब तो ऐसी बात नहीं रह गई है ना, आज तो हम लोगों ने भैया मतलब भर का काम कर लिया है, मतलब भर के पैसे हमारे देश में किसानों के पास है, मतलब भर के जो आपके हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अनाज, हाँ अनाज जो है वो हमारी सरकार के पास स्टोर है, और लोगों के पास हम लोग इतना सफिशियंट हैं कि भैया हम लोग जो है 2-3-4-5 साल किसी बिना कंट्री के सहारे भी अपना देश आराम से चला सकते हैं। ये सब क्या है, इन सबको कनेक्ट किया करो, तुझे सीधे कनेक्ट किया करो आत्मनिर्भर भारत से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अब ये सही है, जब पहले जरूरत नहीं थी, जब देश में उस हालत खराब थी, तब ठीक है आप फूड स्टोरेज नहीं करने अलाउ कर रहे थे, बट अब तो करो भाई, अब तो सही है। ठीक है, इसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसकी भी यहाँ पे राइटर जो है तारीफ कर रहे हैं, गवर्नमेंट के तरफ से भी देख रहे हैं, जब गवर्नमेंट की तरफ से चश्मा इन्होंने पहना है तब ये बात ऐसी कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज ऑल्सो गुड, आप जो है किसान अपने जगह से निकल के बाहर भी जा सकते हैं, और कोई कोई किसान जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दे सकते हैं अपनी जमीन, भैया तुम खेती करो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो राइटर जो है वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है किसानों को पैसा नहीं मिलता, सब्सिडी नहीं मिलती, ऑलरेडी फार्मर्स जो हैं उनको ह्यूज सब्सिडी मिलती है स्टेट से, 2-2.5% ऑफ जीडीपी की। ठीक है, राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ह्यूज सब्सिडीज फ्रॉम द स्टेट टू द ट्यून ऑफ 2-2.5% ऑफ जीडीपी, और अगर इसको आप कंपेयर करोगे विश्व के अलग अलग देशों से, जो बड़े बड़े देश हैं वहां पे भी किसानों को इतनी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाती है। एग्जाम्पल देखो राइटर ने कोट किया है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, लैटिन अमेरिका है, जापान है, तो इंडिया के अंदर जो
सब्सिडी की रेंज है ना वो 45 to 50 बिलियन डॉलर है, वहीं यूएस के अंदर वो 20 बिलियन है और ईयू के अंदर 39 बिलियन है, जापान के अंदर 46 बिलियन है। तो देखने को क्या मिला कि इंडिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है किसानों को कंपेटिवली वर्ल्ड की अलग कंट्रीज, इसमें कनाडा जैसे का तो नाम नहीं, सबसे ज्यादा बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं राइटर जो है वो कह रहे हैं हाफ ट्रूथ्स ऑफ प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स जो है वो क्या बात, हाफ ट्रूथ है मतलब आधी बात सच है आधी बात सच उनकी नहीं है, मतलब काइंड ऑफ जो कहने का मतलब यही है राइटर का कि गलत जो बात कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स वो क्या कर रहे हैं। तो दो ही बात इन्होंने यहां पे उठाई है, पहली ये जो एमएसपी के चक्कर में अभी बवाल हो रहा है, तो अब किसान का डिमांड क्या है कि एमएसपी को लॉ की तरह डालो। लेकिन वही राइटर जो है वो यही कहना चाह रहे हैं कि भैया आज तक कभी एमएसपी एज ए लॉ नहीं आया है और पूरे विश्व में एमएसपी लॉ की तरह किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है, तो ये डिमांड करना कि एमएसपी को एज ए लॉ लिया जाए ये अच्छा बात नहीं है और ये एक आप कह सकते हो कि रीजनेबल चीज नहीं है। आप यहाँ पे कहिए कि एमएसपी डालिए, एमएसपी करिए, एमएसपी को एज ए पॉलिसी की तरह इंप्लीमेंट करिए, बट इसको कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता है और ये डिमांड करना जायज नहीं है अकॉर्डिंग टू द राइटर। दूसरा क्या है, दूसरा राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ समय पहले किसान जो है एक बात कर रहे थे, बीच में आंदोलन टाइप का छिड़ गया था जिसमें किसानों ने यह कहा था कि बहुत सारी फसलें जैसे कि शुगर एंड एसेट्रा एसेट्रा वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी बिक रही हैं, बट हमें मजबूरन एपीएमसी मंडी में बेचना पड़ता है। ये कुछ समय पहले किसानों का तर्क होता था, जो आज कुछ संस्थान जो हैं अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही हैं फार्म बिल्स के, उन्हीं में से कुछ का ये कहना था। बट अब क्या हुआ, अब जब सरकार ने आपको अलाउ कर दिया कि भैया ठीक है तुम एपीएमसी मंडी के बाहर जाके भी बेचो, तो अब बवाल क्यों हो रहा है, ये राइटर यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं। अब राइटर जो है वो गवर्नमेंट की कमियां बता रहे कि गवर्नमेंट जो है भैया क्या बात गुमराह कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो राइटर ने यहां बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये ठीक है कहने के लिए बड़ा अच्छी बात है जो सेकंड वाला बिल था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जमीन ही वापस ना करे, किसान जो होता है भैया गरीब होता है वैसे ही छोटे मोटे पंगों में फंस जाते हैं बेचारे किसान, तो बड़ा लंबा चलता है पंगा, अब जब उनकी जमीन का पंगा भी फंसेगा तब और समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये बात यहां पे करी गई। इसके बाद क्या है दूसरी चीज यहाँ पे, ये हमने देखो एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था, वही बात है कि देश में भैया हर किसान जो है वो एपीएमसी मंडी में जाके फसल नहीं बेच रहा है, तो आप ये तो यही करते कि क्यों नहीं बेच रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आता है और किसान उस कॉस्ट को हर कोई बियर नहीं कर सकता है। तो आपको या तो इससे बेटर तो ये था कि आप एपीएमसी मंडी बनाते हर जगह जगह और किसान इसलिए जाके फिर वहां पे फसल बेचता। तो ये बात यहाँ पे राइटर जो है ये दोनों बात करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, पॉलिटिकल ट्रुथ अबाउट सब्सिडी, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है राइटर ने, और मतलब ये पढ़ने में बड़ा मजा आया, आप जब पढ़ोगे इसको तो बड़ा अच्छा लगेगा आर्टिकल, अच्छा इनके द्वारा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें देखो किसी एक पार्टी की मतलब किसी एक पक्ष को नहीं लिया, इन्होंने फार्मर्स के पक्ष में बात लिखी है, इन्होंने आपके गवर्नमेंट के पक्ष में बात लिखी है, पर इसमें इन्होंने जो लॉजिक्स दिए ना वो बड़े अच्छे हैं, मतलब समझ लो जैसे कि डिफरेंट है। ठीक है, तो एन अनकंफर्टेबल ट्रूथ लूम्स अबाउट ऑल दिस बट इट कन्वेंटली इग्नोर्ड बाय मोस्ट। राइटर बोलते हैं कि भैया एक जो सच्चाई है वो बहुत ज्यादा सबसे मतलब बिल्कुल ऊपर रहनी चाहिए, लेकिन वो चीज जो है सब लोग इग्नोर करते हैं। सच्चाई क्या है कि भैया देश के अंदर हर सेक्टर जो है बेनिफिट उठा रहा है। अब राइटर उसका एग्जांपल देंगे, ध्यान से सुनते चलिएगा। एग्जांपल, फार्मर को बेनिफिट मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चीप है, फर्टिलाइजर और बहुत सारे जो अलग अलग स्कीम सरकार चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है भैया, हेल्थ स्कीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, घूमने को मिलता है, उसमें टिकट के प्राइस मिलते हैं बहुत सारे, जैसे पापा मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आई नो बहुत सारे पर्क्स होते हैं, मिनिस्टर्स बेनिफिट, सरकार के जो अपने मिनिस्टर्स हैं बेनिफिट होता है भैया, इनको पेट्रोल मिलता है, इतने रुपए मिलते हैं, बहुत सारी चीजें और पर्क्स है, रहना खाना सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉर्पोरेट बेनिफिट मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, ठीक है, आर्म फोर्स में जो बेनिफिट है, आर्म फोर्स में आपको पता है जो मिले, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट होंगे, बट आर्म फोर्स में जो कैंटीन का सिस्टम होता है आपको पता होगा, तो उसमें भैया बहुत सस्ते दामों में जो चीजें हैं वो आपके आर्म फोर्स के ऑफिसर्स को अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में बेनिफिट्स हैं, इसके बाद प्रिजंस के अंदर बेनिफिट हैं। तो राइटर यहां पे ये कह रहे हैं कि भैया भारत के अंदर जो है ना हर कोई बेनिफिट उठा रहा है, लेकिन मुद्दा क्या होता है ना, जब दूसरे की बात आती है तब कोई कुछ नहीं बोलता, जब अपने की बात आती है तभी सब बोलना शुरू करते हैं। ये यहां पर राइटर ने लिखा है, व्हेन अ पर्टिकुलरली सब्सिडी इज विथड्रॉन
द पॉपुलेशन दैट वॉज बींग सर्व्ड बाय इट विल प्रोटेस्ट. ठीक है, लाइक जैसे इन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी हेल्थ सिक्योरिटी वाली स्कीम को शट डाउन कर दिया जाए, तो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं आपके आईएएस आईपीएस सब लोग जो हैं भैया आ जाएंगे सड़क पे, उस पर बवाल करेंगे. तो ये चीज कहने का मतलब है राइटर का कि भैया भारत के अंदर हर सेक्टर जो है अपना अपना पग जो है वो ले रहा है, पर यही होता है ना कि दूसरों की चीज सबको बुरी लगती है, अपनी पर आती है तो बड़ा दिक्कत होता है. तो वो वाला मसला यहाँ पे राइटर लास्ट में जो है कंक्लूड करते हुए बोलते हैं. ठीक है, आई होप ये आर्टिकल आया हो आपके दिमाग में, समझ में आया. चलिए इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, प्रोवोकेशन ट्रैप. प्रोवोकेशन ट्रैप जो है ये आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ते हैं समझते हैं क्या है. ये देखो यूएस और ईरान की रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल है. पहले तो थोड़ा सा P5+1 नेशन डील क्या है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एक डील थी जिसका नाम था P5+1 या फिर JCPOA या फिर ईरान न्यूक्लियर डील. JCPOA की फुल फॉर्म है ज्वाइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. ईरान न्यूक्लियर डील की फुल फॉर्म कुछ है नहीं. P5 मतलब परमानेंट 5 ऑफ UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. यहाँ पे है वो जर्मनी प्लस, जो P5+1 बोलते हैं ना उसमें एक ये जर्मनी हटा दो, बाकी सब क्या है P5 कंट्रीज हैं यूएनआई नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स और एक आपका कौन हो गया जर्मनी. ठीक है, चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर. यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ है, आपको याद होगा अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक पे या ट्विटर पे फॉलो करते होंगे तो उन्होंने अभी एक कल या परसों एक ट्वीट किया था, मैंने देखा था और उस समय एडिटोरियल भी नहीं आया था कि जो रॉकेट जो अभी अटैक हुए हैं अपना तो सुनी लिया होगा आपने कि यूएस की जो एम्बेसी है बगदाद के अंदर वहां पे अटैक करने की कोशिश करी गई थी, तो उसमें जो रॉकेट्स यूज किए गए थे ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो ईरान के द्वारा दिए गए हैं या ईरान के द्वारा प्लान किए गए हैं, ईरान के यहाँ से वो रॉकेट्स आए हैं. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द रॉकेट अटैक्स ऑन द यूएस एम्बेसी इन बगदाद ऑन संडे विच अमेरिकन मिलिट्री लीडर्स कॉल्ड द लार्जेस्ट अटैक ऑन द हाईली फोर्टिफाइड ग्रीन जोन. ये ग्रीन जोन क्या है पहले थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं. ये देखो आपका पहले नक्शा देख लो भैया, ये बगदाद हो गया, इधर तेहरान हो गया, ये ईरान है, ये इराक है. ईरान इराक को साथ ही सुना करो समझा करो. कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा जब वो कासिम सुलेमानी वाला इंसिडेंट हुआ था, मसला था ईरान और यूएस के बीच में, लेकिन बीच में फंसा कौन था, इराक. ठीक है चलो, फिर इसके बाद एक बार और ये ग्रीन जोन देख लो. ये आपका देखो ग्रीन जोन मतलब क्या है, ग्रीन जोन के अंदर अमेरिका के जो एम्बेसीज हैं यहाँ पे बगदाद के अंदर और बहुत सारी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं वापस आर्टिकल के ऊपर. तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उन्होंने बोला कि भैया इसके पीछे कौन है, ईरान है. ठीक है, क्यों बोला मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट पहले समझा देता हूँ, समझ लेना. आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है एक साइंटिस्ट जो है ईरान का उसको मार दिया गया था, और उस समय भी एक एडिटोरियल आया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रोवोक करना चाह रहे हैं. क्यों प्रोवोक करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाइडेन साहब जो है वो अब आएंगे प्रेसिडेंट की तरह, डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी जो है ईरान पसंद नहीं था, तो इसराइल की मदद से उस साइंटिस्ट को असैसिनेट किया गया था, और इसलिए किया गया था कि ईरान जो है उसका जवाब दे जिससे कि यूएस एंड ईरान की रिलेशन खराब हो. फिर बाइडेन जब आए तब फिर कोई रिलेशन जो है सुधर ना पाए, तो अभी उसी को रेसिप्रोकेट करते हुए ईरान ने यह हरकत करी है, जिसको इस आर्टिकल के अंदर जो है राइटर कहेंगे क्रिटिसाइज करेंगे. उन्होंने ये कहा है कि यार आपको मौका तो देना चाहिए बाइडेन को, बाइडेन आएंगे क्या पता रिलेशन सुधरे, अगर आप इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देंगे तो फिर किस तरीके से रिलेशन सुधरेगा. कुछ दिन पहले ईरान ने ये भी कहा था कि हमें भैया P4+1 कोई सी भी डील दे दो या P5+1 दे दो हम तैयार हैं, हमारे ऊपर से सेंक्शन हटा लो, लेकिन अगर इस तरह की गतिविधि ईरान के द्वारा करी जाएगी तो भी समस्या है, पर ईरान इस तरह की गतिविधि नहीं करेगा तो भी समस्या है, क्योंकि फिर ईरान के ऊपर प्रेशर माउंट होता है कि यार तुम जवाब नहीं दे रहे हो, तुम कमजोर हो, तुम्हें लोग ऐसे हल्के में ले लेंगे. होता नहीं कोई बार बार आपको मारता रहता है पीटता रहता है, आप ज्यादा सहने लग जाओ तो लगता है उसको कि भैया बड़े हल्के हो, है ना. ये एक मैरी कॉम का डायलॉग है मैरी कॉम मूवी का कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, तो वो वाला मसला है, तो इसलिए जवाब भी देना पड़ता है. तो मैंने आपको शॉर्ट में पूरा आर्टिकल ही बोल दिया है, तो यही सब चीजें इसमें देखो लिखी हुई हैं. जब कासिम सुलेमानी को ईरानी जनरल को मारा गया था यूएस के द्वारा, तो उसके बाद क्या हुआ था, ईरान ने रेसिप्रोकेट किया था इराक के अंदर यूएस के जो बेस थे, उसके बाद से देखने को मिलता है कि इराक के अंदर जो शिया सपोर्टर लोग हैं और जो शिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, वो इराक के अंदर यूएस के अलग अलग जो भी वहाँ पे बेसेस हैं उस पर समय समय पर अटैक करने लगे, और ये मसला आज का नहीं काफी समय से चला रहा है. ठीक है,
इसके बाद अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस ने ऑलरेडी अपनी एम्बेसी की साइज वहां पे छोटी कर दी है, स्टाफ को वापस भेज रखा है, और राइटर जो है वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये जो रिलेशन खराब करने की पूरी जिम्मेदारी है ना ईरान और यूएस के बीच में, इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे अच्छी खासी न्यूक्लियर डील चल रही थी, जबरदस्ती बोल दिया भैया कि ईरान न्यूक्लियर डील जो है उसका वायलेशन कर रहा है ईरान, और ईरान से बाहर आ गए, इस डील से बाहर आ गए, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज नहीं थी, है ना। ठीक है, इसके बाद देखो ईरान जो है आपको पता होगा काफी सारे ऑयल टैंकर्स को भी रास्ते में रोकता है, उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। ईरान की प्रॉक्सीज बहुत सारी हैं, प्रॉक्सी मतलब जो मिलिटेंट संस्थान होती हैं छोटी छोटी, उनको सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं, तो वो लोग इनके थ्रू ये काम करते हैं। उन साइंटिस्ट का नाम देखो था मोहसेन फकरजिदा, इनको ही मारा गया था। किसके द्वारा? ऐसा क्लेम किया था ईरान ने कि इसराइल ने मारा है, और इसराइल किसका मित्र है? यूएस का, स्पेशली ट्रंप साहब के मित्र हैं नेतन्याहू जी। तो यहाँ पे ये पूरा इसके पीछे लॉजिक देखा गया था। राइटर लास्ट में यही बोलते हैं कि भैया जो यूएस ने ये हरकत करी थी, इसका जो मेन पर्सपेक्टिव था वो यही था कि ईरान इस तरीके का कुछ गतिविधि को अंजाम दे जिससे कि जब बाइडेन जी आए तब रिलेशन सुधर ना पाए, और वही हुआ। तो अब ईरान को थोड़ा सचेत रहना चाहिए, और एक आध महीने की बात है, जनवरी 20 में शायद शपथ लेना है बाइडेन जी को, तो तब तक वेट करें। क्या पता जो बाइडेन जी आए वो डिप्लोमेसी के थ्रू ईरान और इनके रिलेशन सुधारें, और ईरान जो है वापस पटरी पर आकर उसके ऊपर से सारे सैंक्शंस जो हैं वो हट जाएं। तो दिस इज इट गाइस, दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है पता है ना? डिसलाइक करना है, ऐसा नहीं यार, जो मन करे कर दो, पर लाइक भी कर देते थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, बाकी तो आपकी मर्जी है। इसके बाद चलो अगला आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, लर्निंग टू लेट गो। इस आर्टिकल को बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, एक सिंपल सा इसमें हम कहानी समझने वाले हैं। भारत के अंदर देखो वोडाफोन वाला केस तो आपको याद ही होगा, न्यूज में भी आया है कि सरकार जो है वोडाफोन से भैया खूब सारा टैक्स वसूलना चाहती थी, लेकिन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने कह दिया कि भैया आप जो है ये पैसा नहीं लोगे। अब उसके अगेंस्ट में अपील करेगी सरकार, ऐसा तो अभी न्यूज में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे मामला है दूसरी कंपनी का, इस कंपनी का नाम है आपका कैर, यही था शायद सी आई आर है ना, एक बार देख लेता हूँ मैं, कैरन है, ठीक है, CAIRN, ठीक है। मामला क्या था, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको बस एक बेसिक लॉजिक दे देता हूँ इस पूरे मामले का। सरकार जो है इस फॉर्म से काफी समय से टैक्स का डिस्प्यूट था, सरकार ने इस फॉर्म से जबरदस्ती खूब सारा पैसा वसूल लिया, और इनका जो वर्क है यहाँ पे भारत में ढंग से चलने नहीं दिया, जिसके चलते वो मामला खराब हो गया। ये कंपनी जो है ये चली गई कहाँ पे? आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कहाँ पे आपकी हेग में है। हेग में इस कंपनी के पक्ष में फैसला आया आर्बिट्रेशन कोर्ट के द्वारा, और 1.4 बिलियन डॉलर का डैमेजेस भी देने को कहा है भारत की सरकार को, कैरन कंपनी को। ठीक है, अब मामला क्या है? मामला ये कि भैया ये सब तो चलो ठीक है, ये देंगे नहीं देंगे, अभी सरकार डिस्प्यूट कितना लड़ेगी, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब ठीक है। एक तरफ हम चाहते हैं कि भैया हमारा जो इंडिया है वो पूरे विश्व में क्या बने, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बने, जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट बने, हम चाइना के कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं। बट अगर हम इस तरीके से कंपनियों के ऊपर हरकतें करेंगे जो इंटरनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ पैसा लगा रही हैं, तो क्या भैया कल को कोई आएगा? एक सिंपल सा लॉजिक ले लो, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, मुझे पता है कि भैया कोई एक्स नाम की जगह उत्तर प्रदेश में ऐसी है जहां पर मैं चला गया वहां का डीएम जो है बहुत ज्यादा तंग करेगा बिजनेसमैन को, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि लखनऊ है, लखनऊ में कोई दिक्कत नहीं, लखनऊ में बिजनेस करूंगा। तो यही होगा यहाँ पे भी, आप बनना चाहते हो डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल मार्केट, एक तरफ आप भैया वोडाफोन को तंग किए थे वहां भी आपको दिक्कत हुई, इधर आप इनको तंग किए यहाँ भी आपको दिक्कत हुई। ठीक है, आपको अभी एक मामला और याद होगा, टेलीकॉम कंपनी के जो एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, क्या चल रहा था कि टेलीकॉम कंपनी, मामला क्या था कि जैसे जो एयरटेल हो गई या फिर जितनी भी इस तरह की कंपनीज हो गई, ये लोग जो पैसा रेवेन्यू इकट्ठा करते थे टेलीकॉम मतलब अपने मतलब जो नेटवर्किंग से, जो हम मोबाइल फोन के सिस्टम है कम्युनिकेशन से, उसका तो इन्होंने टैक्स पे किया, लेकिन इसके अलावा जो और चीजें थी, जैसे कि इन्होंने अपने, आपने देखा होगा कि जो मोबाइल टावर्स होते हैं वो लोग लीज पे दे देते हैं, जैसे कि आधा पोर्शन खुद यूज कर रहे हैं आधा पोर्शन किसी और कंपनी को दे दिया, इस तरीके की और भी चीजें ये लोग करते हैं। तो इन पैसों को उन्होंने रेवेन्यू ना दिखाते हुए और इसका टैक्स नहीं पे किया था, तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो अलग फंक्शंस थे। तो मामला आपको याद होगा कि भैया कोर्ट में मामला था, तो सरकार जो है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं के पक्ष में फैसला दे दिया था सरकार ये कि भैया इतना पैसा आपको देना है। बट फिर उसमें ये हुआ कि ये कंपनियों ने साफ साफ चेतावनी दे दी कि अगर आप हमसे इतना पैसा एक्स्ट्रा लोगे, ये इसकी बात नहीं हो रही है, मैं आपको वाला केस याद दिला रहा हूँ, अगर आपने कंटेक्स्ट याद होगा तो आप समझ रहे होगे।
तो इन कंपनियों ने फिर कहा था कि अगर इतना पैसा लोगे तो भैया हम तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, फिर जियो ही चलाओ इंडिया में, हम सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। इसके बाद फिर सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि आप धीरे धीरे करके इतने साल में इस पैसा को लौटा देना, कोई बात नहीं, क्योंकि भैया अगर ये कंपनियां बंद हो जाएंगी तो फिर से यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म होगा गवर्नमेंट का, और फिर सिर्फ जियो इकलौती कंपनी बच जाती। तो ये तरीके से और भी चीजें हैं, और ये जो है समस्या आज की नहीं है, पहले ही बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे तंग हो चुकी हैं। भारत के टैक्स लॉस को लेके इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी एक अच्छी मतलब वो नहीं रहती, इमेज नहीं रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जैसे, मैं लॉ स्टूडेंट रहा हूँ, तो हम लोग जैसे लिटिगेशन सॉरी मूट कोर्ट होता है जिसमें ट्रायल होते हैं ऐसे ही डेमो वाले, मतलब बिना कोर्ट के आपस में कॉम्पिटिशन होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के। तो एक बार इंटरनेशनल ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का मूट चल रहा था, और कुछ लोग वहाँ से हमारे यहाँ आए थे, इंडिया में आए थे, तो मेरी एक किसी से एक से बात हो रही थी, तो उन्होंने सीधे बोला कि आपके यहाँ टैक्स लॉज, मतलब इंग्लिश में बोला उन्होंने कि टैक्स लॉज आपके यहाँ पे अच्छे नहीं है। तो मतलब ये इमेज है हमारी हर जगह। और लेबर लॉज के लिए तो आपने अभी ये कहानी सुनी रहे हो एप्पल वाली जो भी हुआ है, और ये भी सुनी रहे हैं, तो इस तरीके से चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, मैं समझ रहे हो। चलिए, इस सेशन की PDF पूछ रहे हैं बहुत लोग, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाना है, लिखना है @unacademy और फिर मानवेंद्र, ठीक है। चलिए, तो फ्रंट पेज ये है द हिंदू का, इसमें कुछ खास आर्टिकल था क्या, ये देख लो, एक इंडिया फाइल्स अपील अगेंस्ट वोडाफोन केस वर्ल्ड, तो यहाँ भी वही मसला है भैया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, डिमांड जो 22,100 करोड़ रुपए की भारत कर रहा था वो मना कर दिया गया था सिंगापुर कोर्ट के द्वारा, जो कि आर्बिट्रेशन कोर्ट है, तो इसके अगेंस्ट में अपील करेगी हमारी सरकार कि हमें पैसा चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है इसमें, है ना। इसके बाद क्या है, केरला वॉन्ट्स कैप ऑन सबरीमाला पिलग्रिम्स। हाँ जी, सबरीमाला ये वही टेम्पल है जिसमें बहुत बवाल हुआ था कुछ दिन पहले, ये वही बवाल था जिसमें ये था कि महिलाओं को टेम्पल के अंदर एंट्री जो है वो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इस पर काफी बड़ा डिबेट हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। वर्डिक्ट जब पहली बार आया था 4:1 के वर्डिक्ट आया था, जिसमें एक फीमेल जज है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये बात बोला था कि महिलाओं को इसमें एंट्री नहीं देनी चाहिए। उनका ये लॉजिक इसके पीछे ये था, वो ये था 4 का तो फैसला था कि भैया देनी चाहिए, और वही बात आगे रखी गई, वही मानी भी गई, लेकिन जो 1 थी वो वुमेन थी, और उनका ऐसा कहना था कि भैया हर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट होते हैं, और अगर वहां पे लोग नहीं चाहते हैं या फिर उनके कल्चर में ऐसा नहीं है तो इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। और इसके पीछे एक लॉजिक ये दिया जाता है कि मुझे उनका भी नाम याद नहीं आ रहा है जिन गॉड का ये टेंपल है, लेकिन उसमें ऐसा बोला जाता है कि ही वॉज ए ब्रह्मचारी, सो ही नेवर वॉन्टेड टू गर्ल कि वो उनके पास आए, तो जब वो नहीं चाहते थे तो फिर आज श्रद्धालु क्यों उनके पास जा रही हैं, ऐसा लॉजिक दिया जाता है। पहले ऐसा है, देखो हिंदू रिलीजन में हनुमान जी के लिए भी करते थे कि फीमेल्स जो है वो हनुमान जी की पूजा नहीं करती थी, बट विद टाइम थिंग्स आर चेंजिंग। तो ये है, ठीक है, आज का आपका डे ड्रीम का क्वेश्चन है, ये ले लो, है ना। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के रिलीजियस इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को समय समय पर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और एज ए वुमेन एज ए मैन सभी लोग अपने हिसाब से जवाब दीजिए। और जिन सुप्रीम कोर्ट की जज ने ये डिसीजन दिया था, भैया पढ़ी लिखी होंगी, कुछ लॉजिक ही उनका भी होगा, तो उनका लॉजिक भी एक प्रकार से काफी लोगों को सही लगा होगा, कुछ लॉजिक 4 वालों को सही लगा होगा जो 4:1 का आया था। तो आज आपका डे ड्रीम का जो क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। मान लो भैया तुम IAS हो या कुछ भी हो, तुमसे इंटरव्यू में पूछ लिया, तो डे ड्रीम का क्वेश्चन आपका यही है कि इस तरीके के इंटरफेरेंस जो है सरकार को करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और एग्जाम्पल आप यही वाला ले लो कि वुमेन्स की टेम्पल में एंट्री जो लेके सबरीमाला में मामला हुआ था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या न्यूज है तो भूल ही गए अपन, केरला वॉन्ट्स कैप ऑन सबरीमाला पिलग्रिम्स। मामला क्या है ना, ये देखो यहाँ पे देखो क्या है कि सबरीमाला में लोगों के श्रद्धालुओं की संख्या जो है 5,000 तक करने की बात चल रही थी, इसी के चलते हुए केरला सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि भैया अब तक नया वेरिएंट भी आ गया है COVID-19 का, ये संख्या बढ़ने ना दीजिए, इसको कम करवाएं, ठीक है। तो ये था मसला, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक टीम शुड रिसीव प्रायोरिटी फॉर वैक्सीन, ऐसा एक हाउस पैनल ने बोला है। अ पार्लियामेंट्री पैनल हैज रिकमेंडेड पुटिंग एथलेटिक्स कोचेज एंड सपोर्ट स्टाफ गोइंग टू टोक्यो 21 ओलंपिक्स ऑन प्रायोरिटी ग्रुप्स फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन, ठीक है भाई। बात भी सही है, क्योंकि भाई जो खिलाड़ी हैं काफी समय से खेले नहीं होंगे, क्रिकेट विकेट तो चलो हो जाते हैं क्योंकि भैया इतने पॉपुलर गेम है, BCCI के पास इतना पैसा है भारत के अंदर, तो ये सब कंडक्ट करा दिया। लेकिन ऐसे ही भारत में गेम है जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं और जिनका ग्राउंड लेवल पे रियलिटी अच्छी नहीं है, तो उन गेम्स को भी प्रोत्साहन देने के लिए, ऐसे भाई मान लो कोई खिलाड़ी है
वो 5-6 महीने से फील्ड पे ही नहीं उतरा है, तो भाई वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वैक्सीनेशन हो, जिससे जल्द से जल्द ये लोग अपने पुराने वाले लय को पकड़ पाए। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट को तो हमने बिल्कुल हवा बना रखा है, चढ़ा रखा है, लेकिन भारत के और गेम को कोई पूछता भी नहीं है। इसके बाद एग्रो पार्क टू कम अप इन सिंगुर, ये जगह जो है कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, दिन नहीं, वेस्ट बंगाल में ये जगह है, आज मैप में जाके देखना कहाँ है, ये बड़ी कंट्रोवर्सी में थी। वो ये इसलिए थी, 2007-08 के बाद की बात है, टाटा मोटर्स जो है नैनो का प्लांट यहाँ लगाने वाले थे, काफी ज्यादा लैंड भी एक्वायर कर दिया था, बट काफी बवाल होने के बाद और काफी अपोजिशन ने भी इनके अगेंस्ट बवाल किया कि भैया इतनी जमीन आपने ले ली है ये वो, तो टाटा मोटर्स ने फिर उस प्लांट को यहाँ पे लगाया नहीं था। तो जो जमीन थी उसी के ऊपर कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक एग्रो पार्क बनाया जाएगा, एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, आज मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इसका जवाब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे डे ड्रीम के बाद, वो ये है कि इंडस्ट्रियल पार्क क्या होते हैं, समझो लिखो, नहीं आएगा तो मैं तो हुई। ठीक है, चलिए इसके बाद ऑब्जेक्शन टू न्यू मॉस्क अनटेनेबल, ये क्या है? देखो ऐसा शरिया में लिखा, शरिया ठीक है, जो इस्लाम का लॉ है शरिया लॉ, उसमें इस तरीके की कोई चीज लिखी हो गया, वो तो अपन को मुझे इतनी इंटरनली नहीं पता है, बट इस आर्टिकल से जो चीज निकली है वो ये निकली है कि बार्टर और एक्सचेंज के अंदर अगर जो मॉस्क मिलती, जैसे अयोध्या मंदिर के साथ देखो क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि अयोध्या मंदिर तो भैया दे दिया जाए, प्लस जो मॉस्क के लिए 5 एकड़ जमीन जो है इस बोर्ड को दी जाए। तो यहाँ पे देखो कुछ लोग जो हैं इसी इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट जो हैं वो ये कह रहे थे कि बार्टर और एक्सचेंज में आपने लिए है जो अयोध्या जमीन, जो राम जन्मभूमि पे जो मॉस्क बनी थी उसके बार्टर और एक्सचेंज में आपने जमीन को लिया है, जो कि सही नहीं है, ये अपने शरिया लॉ के अगेंस्ट में है, ये प्रोहिबिटेड है। तो उसी पे यहाँ पे जवाब दिया गया है, द क्लेरिफिकेशन वॉज इज इशूड बाय द इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, उन्होंने ये बोला है कि भैया ये कोई बार्टर और एक्सचेंज में नहीं आया है, ये आपको प्रोवाइड करी गई है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने अलग से दिया है, इसमें कोई बार्टर और एक्सचेंज जैसी चीज रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसके अलावा इसमें कुछ और ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, दैट्स इट, चलिए बढ़े आगे, और कोई भी किसी चीज को रिलीजियसली मत जोड़ा करो, अगर आप लोगों को सीरियसली आईएएस पीसीएस और ये सब देना है, बनना है, तो अपनी इन सब छोटी छोटी चीजों से बहुत ऊपर उठना होगा, और उससे ऊपर उठ के ही आप बन पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरीके के आपके विचार होंगे तो आप सोचोगे कि चलो ठीक है मेंस में आप एक्टिंग कर लोगे, मेंस में लिख लिख के सब चीज छुपा लोगे, बट इंटरव्यू तक नहीं छुपा पाते हो भाई, बहुत लंबा है इस रास्ता है, और कहीं भी आपके इस तरीके के विचार जो हैं अगर सामने आ गए ना तो आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होना है, चाहे बहुत अच्छा आंसर लिख के आ जाओ। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए कि ऐसे विचार ही ना बनाइए, और बाय द वे डेवलप हो गए तो खत्म करिए, और अगर बाय द वे तब भी नहीं जा रहे हैं तो आंसर सर इंटरव्यू में तो मत ही दीजिएगा। ठीक है, न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट फाउंड इन नाइजीरिया अफ्रीका सीडीसी, यहाँ पे भैया जो वेरिएंट है वो यहाँ भी पाया गया है, नाइजीरिया की एक और न्यूज अभी न्यूज में थी, आपको याद ही होगा, क्या बताऊँ मैं, है ना। ठीक है, ये अपने एग्जाम के तो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन चलो देश दुनिया में क्या हो रहा है पता रखो। आईपीएल में अभी कितनी टीमें खेलती थी, 7 टीमें खेलती थी, है ना, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी, एक और कोई किंग्स इलेवन पंजाब, है ना। अब 2 टीमें और ऐड हो जाएंगी इस बार से, बीसीसीआई पैसा तो कमा ही रही है, क्या जा रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। आईपीएल में अगर 2 टीम और खेलेगी तो क्या फायदा है, हमारे आईपीएल की टीमों में ये बात फिक्स है कि एक टीम के अंदर जो 11 प्लेयर होंगे उसमें 7 इंडियन खेलेंगे, 4 फॉरेनर खेलेंगे। ठीक है, अभी तक तो यही है, सुनने में ये आ रहा है कि इस बार 6 इंडियन और 5 फॉरेनर कर देंगे, जो भी हो, तो इससे क्या होगा, जो भारतीय क्रिकेट के टैलेंट है उनको आगे आने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान और गेम्स में भी दे दिया जाता तो भैया फिर क्या बात है ना, आपको बस हटाने में ध्यान रहा कि नेशनल गेम हॉकी है जो कि था भी नहीं, और प्रमोट वमोट ऐसे गेम हो नहीं पाए अपने देश के अंदर, है ना। चलिए, तो दिस इज इट गाइस, यही था आज का हमारा सेशन, अपन आंसर राइटिंग वाली चीज डिस्कस करेंगे जो मैंने अभी दिया है, पहले एक बार रिविजन कर लेते हैं, कल एक क्वेश्चन दिया था तो उसमें किसी का आंसर है। ठीक है, 8 लॉज ऑफ लाइफ फॉर सक्सेस, ठीक है, सबसे पहले परसिस्टेंस, सबसे नीचे जो है वो क्या है, परसिस्टेंस, दूसरा रेस्ट, तीसरा पॉजिटिविटी, चौथा अपॉर्चुनिटी, देन ग्रेटफुलनेस, इंट्यूशन, चॉइसेस, जॉब यू लव। बात आपको समझ में आ रही है, अगर ये 8 चीजें आपके अंदर होंगी ना,
आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छे इंसान से मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उसमें जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। अभी आप लोगों के लिए वो आईएएस का एग्जाम होगा, पीसीएस का एग्जाम होगा, जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे होंगे वो होगा, कोई 11th 12th में तो भैया 11th 12th का एग्जाम होगा। बट दीज थिंग्स यू शुड इंक्लूड इन योर लाइफ। अब आप कहोगे सर हम तो अभी कोई जॉब ही नहीं करते हैं। भाई तुम अभी क्या करते हो, तुम अभी जो तुम्हें सिंगिंग पसंद है, तुम्हें कुछ पसंद है तो उसको अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा डालो। परसिस्टेंस तो आपको पता ही है यूपीएससी में कितनी जरूरी है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में कितनी जरूरी है। पॉजिटिव रहो, थोड़ा सा रेस्ट भी लेते रहो, ग्रेटफुल भी रहो। जैसे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ बन जा रहे हो, तो ग्रेटफुल भी रहो चीजों के लिए। चॉइसेस हमेशा अच्छे से चूज करो। एक दिन मैंने आपको कहा था, बताया भी था किस तरीके से आप अच्छी चॉइसेस जो हैं वो चूज कर सकते हैं। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं, तो हमने एक दिन उसके बारे में डिस्कस किया था और वो वाला जो पूरा पीस था वो मेरे द्वारा खुद लिखा गया था। आई थिंक आपको याद होगा, मैंने आईपैड पे लिख के आपको दिखाया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बिना समय गवाए, समय व्यर्थ किए हुए, वैसे भी आप थोड़ा सा लेट हो चुका है, कोई नहीं, लेट हुआ है, लेट आए दुरुस्त आए वो बोलते हैं ना, कोई इश्यू नहीं है। सेशन तो अपन को करना है, वो अपन करेंगे। एक बार बस चेक कर लूँ मैं चीजें कि सब ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस बात का, जाइए इसको डाउनलोड करिए। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आप इनसे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए। यहाँ पे अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस का, आइकॉनिक का, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। यहाँ पे इस कोड को यूज करिएगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस तो मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट मेंटरशिप के साथ। अब आइकॉनिक एंड प्लस में अंतर क्या होता है, देखो बहुत बेसिक सिंपल सा अंतर है। अंतर बस इतना सा है कि जो प्लस होता है उसमें आप टीचर से पढ़ मतलब डाउट नहीं रिजॉल्व कर सकते हो, बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको जिस भी टीचर से जो भी डाउट होगा वो आप समय समय पे उनके साथ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्राइजेस देखना चाहें देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हमने जो है अभी प्रीलिम्स के मद्देनजर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें हम 6 महीने के अंदर आप लोगों के लिए जो यूपीएससी प्री का कोर्स है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, 28th ऑफ दिसंबर से ये कोर्स जो है वो स्टार्ट होंगे। तो जाइए इन कोर्स को इनरोल करिए जल्द से जल्द, एंड इनसे पढ़ के जो फायदा आपका हो सकता है उसको फायदा प्राप्त करने की कोशिश करिए, ठीक है। सेकंड चीज जो है वो ये है, ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी की प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस नाम से प्रोफाइल मिलेगी मेरी और ये फोटो वहां पे दिखेगी, आप जाइए फॉलो करिए। यहाँ पे मेरी डेली स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है 9 AM पे, मतलब वीक में 4 डेज तो होती है। और टेलीग्राम पे आप मेरे जोड़ सकते हैं अगर इस सेशन के आपको PDF चाहिए, ठीक है। तो ये सारी हमारी रामायण हो चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। एक एडिटोरियल आज हम ये डिस्कस करेंगे। आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे फार्म लॉ से रिलेटेड एडिटोरियल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर वापस से क्यों रिपीट कर रहे हैं, इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं इसलिए इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये भी देख लिया जाएगा, ये भी देख लिया जाएगा, ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, कोई मतलब नहीं है, इधर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, बढ़ते हैं एडिटोरियल्स की तरफ। सबसे पहला देखो जो आर्टिकल आया है वो आया है द फार्मर प्रोटेस्ट ट्रूथ एंड हाफ ट्रूथ। देखो इस वाले आर्टिकल के अंदर ना आपको कुछ नए पॉइंट्स देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग फार्म लॉस, और हम उसी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नए पॉइंट्स हैं ये क्या हैं और इन नए पॉइंट्स में कुछ नया पर्सपेक्टिव आप डेवलप कर पाएंगे तो उसको भी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। माइक मुझे नजर, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, द फार्मर प्रोटेस्ट ट्रूथ एंड हाफ ट्रूथ। देखो सबसे पहले ना हम इस आर्टिकल के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, अपने को वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैंने सीधे सीधे वो पॉइंट्स उठाए जो यहाँ पे कुछ नए लगे हैं और जो कुछ बात अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आरटीआज के बारे में एक बहुत विलन टाइप की छवि अभी बन गई है कि जो आरटीआज होते हैं वो एज ए कॉमन बीच में कमीशन एजेंट की तरह काम करते हैं, और आरटीआज जो है वो जो किसान है उससे कुछ कमीशन लेते हैं, जिसके वजह से जो किसान मतलब क्या बात क्या पर्सपेक्टिव क्या आ रहा है सामने, पर्सपेक्टिव ये आ रहा है कि भैया किसान की फसल है, किसान सरकार को बेचना चाह रही है तो बीच में आरटीआ क्यों आ रहे हैं, ये कमीशन एजेंट्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे राइटर जो है वो आरटीआ की इमेज को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर यहाँ पे ये बोलेंगे इस आर्टिकल में कि भैया जो ये मिडिल मैन है ना, ये ऐसा नहीं है कि विलेन है जो आज की डेट में एज ए क्रिएट किया जा रहा है, एक हाइप करी जा रही है। इसका कारण क्या है,
कि ये ना जो आरटीए वाला फंक्शन है वो तो करते ही करते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब फार्म लॉस पढ़ाए थे, मैंने आपको बोला था जो आरटीएज होते हैं इनका फार्मर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, फार्मर के फैमिली रिलेशंस होते हैं इनके साथ। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो आपके बैंक होते हैं वो लोन नहीं देते हैं किसानों को, बट आरटीएज जो है ये उधार दे देते हैं, भाई आप जाओ खेती करो, शादी करानी आपको शादी कराओ। आपने भी आसपास ऐसा देखा होगा। तो बिसाइड हेल्पिंग इन दिस वाला वर्क, ये बेकिंग में उनकी मदद करते हैं, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन, उनको नॉलेज पावर को, अगर उनको कोई जानकारी चाहिए होती किसानों को इनके पास आते हैं। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स भी ये लोग बेचते हैं तो किसान इन्हीं से खरीदते हैं, और पैसा लेना, मनी लेंडर का काम तो ये लोग करते ही हैं। अब यहाँ पे देखो मेन बात हो रही है पंजाब और हरियाणा की, पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो उधर ही सबसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे राइटर का ये कि मेरी आरटीआ टुडे जो है ना वो जाट एंड सिख हैं, जो आरटीआ भी हैं साथ साथ किसान भी हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज अभी आरटीआ के बारे में प्रचलित हो रही है कि भैया ये बीच में कमीशन एजेंट है और ऐसा ऐसा, तो ऐसी बात नहीं है। जो आपके आरटीआज हैं मोस्टली वो किसान भी होते हैं, मैं भी ऐसे 3-4 आरटीआज को जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है हरियाणा में, उसके फैमिली वाले आरटीआ हैं, तो भाई वो खेती भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है जो इमेज सामने आ रही है, पहली चीज। फिर इसके बाद देखो क्या है, एक दूसरा मुद्दा जो है वो एपीएमसी मंडीज के बारे में कहा जा रहा है कि भैया एपीएमसी मंडीज में कमीशन ली जाती है। आपको मैंने बताया था कि जब किसान एपीएमसी मंडी में फसल बेचेगा तो कुछ परसेंट जो है कमीशन आपकी स्टेट गवर्नमेंट रखती है, कुछ परसेंट जो है वो आरटीआर के पास जाता है। हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, याद है ही नहीं याद है, जल्दी बताओ, याद होना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें भी हमने क्या देखा, इसमें भी हमने यहाँ पे ये देखा कि भैया आप एपीएमसी मंडी में जो सरकार पैसे ले रही है उस पैसे का सरकार क्या करती। कभी कोई एपीएमसी मंडी गया है तुम में से? नहीं गया है तो यूट्यूब पे देखना, प्रॉपर सड़क बनी होती है, प्रॉपर वॉशरूम की व्यवस्था होती है, प्रॉपर ठहरने की व्यवस्था होती है। जब प्राइवेट मार्केट में कल को जाएंगे तो क्या वहां पे रहने की किसान को व्यवस्था देंगे? क्या किसान को खाने पीने की व्यवस्था देंगे? क्या किसान के लिए इस तरीके की पूरी सोसाइटी जो बनी है काइंड ऑफ जो एपीएमसी मंडी में होती है वो वाली फैसिलिटी मिल पाएगी? तो ये जो कहना है कि भैया जो स्टेट के पॉकेट में पैसा जा रहा है, एक बात गलत है, जो कि स्टेट उस पॉकेट को अपने जेब में नहीं रख रहा है, वो किसानों के बेटरमेंट के लिए ही लगा रहा है, ऐसा यहाँ पे राइटर बोलते हैं, ठीक है। अब राइटर जो है ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो ट्रूथ इनको लगता है, जो इनको फॉल्स लगता है, जो फॉल्स तो इन्होंने कोई शब्द यूज नहीं किया, इन्होंने हाफ ट्रूथ किया है। हाफ ट्रूथ मतलब जो एक अनजाना बनने की कोशिश करी जा रही है। तो इन्होंने गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ही बोला, इन्होंने फार्मर के पर्सपेक्टिव से ही बोला है, दोनों पर्सपेक्टिव से अपन देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का ट्रुथ क्या है, जो गवर्नमेंट सच बोल रहा है इन राइटर के अकॉर्डिंग। पहला, गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में सही बोल रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने आज तक जब से आप लोग सांस ले रहे हो, ठीक है, जब से आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी है, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी भी भारत में एज ए लॉ था? आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी ये बवाल कर रही है, चाहे कांग्रेस ले लो, सबसे ज्यादा सत्ता में तो कांग्रेस ही रही है, इवन उन्होंने भी कभी भी एमएसपी को एज ए लॉ की तरह इंप्लीमेंट नहीं किया है। एमएसपी हमेशा क्या थी, एमएसपी हमेशा एक पॉलिसी है। क्या है पॉलिसी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज क्या, दिस इज अ पॉलिसी। देखो आपको पता है अपना सेशन बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है, तो एमएसपी जिसको नहीं पता है बता देता हूं जल्दी से। एमएसपी जो होता है किसान को गारंटी होती है कि भैया अगर तुम्हारी फसल का मार्केट में रेट बहुत भी कम हो जाए तब भी हम तुम्हें इतना रुपया तो इस फसल का देंगे ही देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो सच है राइटर के अकॉर्डिंग, कि अगर ये सरकार एमएसपी को एज ए लॉ की तरह नहीं डाल रही है जो किसान चाह रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एमएसपी को एज ए लॉ आज तक किसी ने नहीं किया है, एमएसपी हमेशा एज ए पॉलिसी की तरह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात इतनी हुई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस राइटर जो बोलते हैं कि देखो भाई और भी चीजें तो मार्केट में फ्लक्चुएट होती हैं, अब यहाँ पे मेरे ओपिनियंस नहीं है, सॉरी मेरे पर मत थोप देना आप लोग। यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि और भी चीजें तो मार्केट में फ्लक्चुएट होती हैं कि नहीं होती, गाड़ियों का दाम बढ़ता है घटता है, सोने का दाम बढ़ता है घटता है, तो क्या जो सोने इंडस्ट्री में जो बंदे हैं अगर सोने का दाम कम हो जाए तो उनको नुकसान नहीं होगा? तो कल को भाई वो भी कहें हमें भी सपोर्ट चाहिए, कल को दूसरे इंडस्ट्री वाले भी कहें जहां पे मार्केट फ्लक्चुएशन होता है। तो राइटर बोलते हैं मार्केट का फ्लक्चुएशन होने दीजिए, और जैसे कि सारा सेक्टर मार्केट फ्लक्चुएशन एक्सेप्ट करता है, सारा सेक्टर जो है मार्केट फ्लक्चुएशन से गुजरता है, तो सेम जाना चाहिए हमारा इसमें भी, और किसानों को भी इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसको होने दें, उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द राइटर। ऐसा गवर्नमेंट का ट्रुथ है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड ऑल्सो ओबे मार्केट फ्लक्चुएशन,
देर विल बी गुड ईयर्स एंड बैड ईयर्स, कभी आप बहुत कमाओगे कभी हल्का कमाओगे, एंड एग्रीकल्चर मार्केट फंक्शन एवरीवेयर, ठीक है ये सब बातें लिखी हुई है। इसके बाद देखो एक हमारा जो वो वाला था जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला कि फूड स्टोरेज कर सकते हैं, तो राइटर बोल रहे हैं कि भैया अब हमारे देश में फूड शॉर्टेज नहीं है। तीसरा वाला बिल क्या था, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कि आप भैया स्टोरेज कर सकते हो, तो उसी के पक्ष में राइटर लिखते हैं कि जब देश में फूड स्टोरेज की कमी थी, देश जब सेल्फ सफिशियंट नहीं था फूड ग्रेन्स के लिए, हम बाहरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहते थे, तब समय दूसरा था। अब तो ऐसी बात नहीं रह गई है ना, आज तो हम लोगों ने भैया मतलब भर का काम कर लिया है, मतलब भर के पैसे हमारे देश में किसानों के पास है, मतलब भर के जो आपके हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अनाज, हाँ अनाज जो है वो हमारी सरकार के पास स्टोर है, और लोगों के पास हम लोग इतना सफिशियंट है कि भैया हम लोग जो है 2-3-4-5 साल किसी बिना कंट्री के सहारे भी अपना देश आराम से चला सकते हैं। ये सब क्या है, इन सबको कनेक्ट किया करो, तू सीधे कनेक्ट किया करो आत्मनिर्भर भारत से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अब ये सही है, जब पहले जरूरत नहीं थी, जब देश में उस हालत खराब थी तब ठीक है आप फूड स्टोरेज नहीं करने अलाउ कर रहे थे, बट अब तो करो भाई, अब तो सही है, ठीक है। इसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसकी भी यहाँ पे राइटर जो है तारीफ कर रहे हैं, गवर्नमेंट के तरफ से भी देख रहे हैं, जब गवर्नमेंट की तरफ से चश्मा इन्होंने पहना है तब ये बात ऐसी कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज ऑल्सो गुड, आप जो है किसान अपने जगह से निकल निकल के बाहर भी जा सकते हैं, और कोई कोई किसान जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दे सकते हैं अपनी जमीन, भैया तुम खेती करो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो राइटर जो है वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है किसानों को पैसा नहीं मिलता, सब्सिडी नहीं मिलती, ऑलरेडी फार्मर्स जो हैं उनको ह्यूज सब्सिडी मिलती है स्टेट से 2-2.5% ऑफ जीडीपी की, ठीक है। राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ह्यूज सब्सिडीज फ्रॉम द स्टेट टू द ट्यून ऑफ 2-2.5% ऑफ जीडीपी, और अगर इसको आप कंपेयर करोगे विश्व के अलग अलग देशों से, जो बड़े बड़े देश हैं वहां पे भी किसानों को इतनी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाती है। एग्जाम्पल देखो राइटर ने कोट किया है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, लैटिन अमेरिका है, जापान है, तो इंडिया के अंदर जो सब्सिडी की रेंज है ना वो 45-50 बिलियन डॉलर है, वहीं यूएस के अंदर वो 20 बिलियन है, और ईयू के अंदर 39 बिलियन है, जापान के अंदर 46 बिलियन है। तो देखने को क्या मिला कि इंडिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है किसानों को कंपेटिवली वर्ल्ड की अलग कंट्रीज, इसमें कनाडा जैसे का तो नाम नहीं है, सबसे ज्यादा बीच में बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं राइटर जो है वो कह रहे हैं हाफ ट्रूथ्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स जो है वो क्या बात, हाफ ट्रूथ है मतलब आधी बात सच है आधी बात सच उनकी नहीं है, मतलब काइंड ऑफ जो कहने का मतलब यही है राइटर का कि गलत जो बात कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स वो क्या कर रहे हैं। तो दो ही बात इन्होंने यहाँ पे उठाई है, पहली ये जो एमएसपी के चक्कर में अभी बवाल हो रहा है, तो अब किसान का डिमांड क्या है कि एमएसपी को लॉ की तरह डालो, लेकिन वही राइटर जो है वो यही कहना चाह रहे हैं कि भैया आज तक कभी एमएसपी एज ए लॉ नहीं आया है, और पूरे विश्व में एमएसपी लॉ की तरह किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है, तो ये डिमांड करना कि एमएसपी को एज ए लॉ लिया जाए ये अच्छा बात नहीं है, और ये एक आप कह सकते हो कि रीजनेबल चीज नहीं है। आप यहाँ पे कहिए कि एमएसपी डालिए, एमएसपी करिए, एमएसपी को एज ए पॉलिसी की तरह इंप्लीमेंट करिए, बट इसको कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता है, और ये डिमांड करना जायज नहीं है अकॉर्डिंग टू द राइटर। दूसरा क्या है, दूसरा राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ समय पहले किसान जो है एक बात कर रहे थे, बीच में आंदोलन टाइप का छिड़ गया था, जिसमें किसानों ने यह कहा था कि बहुत सारी फसलें जैसे कि शुगर एंड एसेट्रा एसेट्रा वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी बिक रही हैं, बट हमें मजबूरन एपीएमसी मंडी में बेचना पड़ता है। ये कुछ समय पहले किसानों का तर्क होता था, जो आज कुछ संस्थान जो हैं अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही हैं फार्म बिल्स के, उन्हीं में से कुछ का ये कहना था। बट अब क्या हुआ, अब जब सरकार ने आपको अलाउ कर दिया कि भैया ठीक है तुम एपीएमसी मंडी के बाहर जाके भी बेचो, तो अब बवाल क्यों हो रहा है, ये राइटर यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं। अब राइटर जो है वो गवर्नमेंट की कमियां बता रहे कि गवर्नमेंट जो है भैया क्या बात गुमराह कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो राइटर ने यहाँ बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये ठीक है कहने के लिए बड़ा अच्छी बात है जो सेकंड वाला बिल था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जमीन ही वापस ना करे, किसान जो होता है भैया गरीब होता है वैसे ही छोटे मोटे पंगों में फंस जाते हैं बेचारे, किसान तो बड़ा लंबा चलता है पंगा, अब जब उनकी जमीन का पंगा भी फंसेगा तब और समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे करी गई। इसके बाद क्या है दूसरी चीज यहाँ पे, ये हमने देखो एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था, वही बात है कि देश में भैया हर किसान जो है वो एपीएमसी मंडी में जाके फसल नहीं बेच रहा है, तो आप ये तो यही करते कि क्यों नहीं बेच रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आता है, और किसान उस कॉस्ट को हर कोई बियर नहीं कर सकता है,
तो आपको या तो इससे बेटर तो ये था कि आप एपीएमसी मंडी बनाते हर जगह जगह और किसान इसलिए जाके फिर वहां पे फसल बेचता। तो ये बात यहां पर राइटर जो है ये दोनों बात करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, पॉलिटिकल ट्रुथ अबाउट सब्सिडी। ये बहुत अच्छी बात यहां पर लिखी हुई है राइटर ने, और मतलब ये पढ़ने में बड़ा मजा आया, आप जब पढ़ोगे इसको तो बड़ा अच्छा लगेगा। आर्टिकल अच्छा इनके द्वारा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें देखो किसी एक पार्टी की मतलब किसी एक पक्ष को नहीं लिया, इन्होंने फार्मर्स के पक्ष में बात लिखी है, इन्होंने आपके गवर्नमेंट के पक्ष में बात लिखी है, पर इसमें इन्होंने जो लॉजिक्स दिए ना वो बड़े अच्छे हैं, मतलब समझ लो जैसे कि डिफरेंट है, ठीक है। तो एन अनकंफर्टेबल ट्रूथ लूम्स अबाउट ऑल दिस बट इट कन्वेंटली इग्नोर्ड बाय मोस्ट। राइटर बोलते हैं कि भैया एक जो सच्चाई है वो बहुत ज्यादा सबसे मतलब बिल्कुल ऊपर रहनी चाहिए, लेकिन वो चीज जो है सब लोग इग्नोर करते हैं। सच्चाई क्या है कि भैया देश के अंदर हर सेक्टर जो है बेनिफिट उठा रहा है। अब राइटर उसका एग्जांपल देंगे, ध्यान से सुनते चलिएगा। एग्जांपल, फार्मर को बेनिफिट मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चीप है, फर्टिलाइजर और बहुत सारे जो अलग अलग स्कीम सरकार चलाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है भैया, हेल्थ स्कीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, घूमने को मिलता है, उसमें टिकट के प्राइस मिलते हैं बहुत सारे, जैसे पापा मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आई नो, बहुत सारे पर्क्स होते हैं। मिनिस्टर्स बेनिफिट, सरकार के जो अपने मिनिस्टर्स हैं बेनिफिट होता है भैया, इनको पेट्रोल मिलता है, इतने रुपए मिलते हैं, बहुत सारी चीजें और पर्क्स है, रहना खाना सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉर्पोरेट बेनिफिट मिलता है, ठीक है। फिर क्या है, ठीक है, आर्म फोर्स में जो बेनिफिट है, आर्म फोर्स में आपको पता है जो मिले, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट होंगे, बट आर्म फोर्स में जो कैंटीन का सिस्टम होता है आपको पता होगा, तो उसमें भैया बहुत सस्ते दामों में जो चीजें हैं वो आपके आर्म फोर्स के ऑफिसर्स को अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में बेनिफिट्स हैं, इसके बाद प्रिजंस के अंदर बेनिफिट हैं। तो राइटर यहां पे ये कह रहे हैं कि भैया भारत के अंदर जो है ना हर कोई बेनिफिट उठा रहा है, लेकिन मुद्दा क्या होता है ना, जब दूसरे की बात आती है तब कोई कुछ नहीं बोलता, जब अपने की बात आती है तभी सब बोलना शुरू करते हैं। ये यहां पर राइटर ने लिखा है, व्हेन अ पर्टिकुलर सब्सिडी इज विथड्रॉन द पॉपुलेशन दैट वॉज बींग सर्व्ड बाय इट विल प्रोटेस्ट, ठीक है। लाइक जैसे इन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी हेल्थ सिक्योरिटी वाली स्कीम को शटडाउन कर दिया जाए, तो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं आपके आईएएस आईपीएस सब लोग जो है भैया आ जाएंगे सड़क पे, उस पर बवाल करेंगे। तो ये चीज कहने का मतलब है राइटर का कि भैया भारत के अंदर हर सेक्टर जो है अपना अपना पक्ष जो है वो ले रहा है, पर यही होता है ना कि दूसरों की चीज सबको बुरी लगती है, अपनी पर बात आती है तो बड़ा दिक्कत होता है। तो वो वाला मसला यहाँ पे राइटर लास्ट में जो है कंक्लूड करते हुए बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये आर्टिकल आया हो आपके दिमाग में, समझ में आया। चलिए इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, प्रोवोकेशन ट्रैप। प्रोवोकेशन ट्रैप जो है ये आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। ये देखो यूएस और ईरान की रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। पहले तो थोड़ा सा P5+1 नेशन डील क्या है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक डील थी जिसका नाम था P5+1 या फिर JCPOA या फिर ईरान न्यूक्लियर डील। JCPOA की फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान न्यूक्लियर डील की फुल फॉर्म कुछ है नहीं। P5 मतलब परमानेंट 5 ऑफ UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे है वो जर्मनी प्लस, जो P5+1 बोलते हैं ना उसमें एक के जर्मनी हटा दो, बाकी सब क्या है P5 कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स और एक आपका कौन हो गया जर्मनी, ठीक है। चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर। यहां पे देखो अभी क्या हुआ है, आपको याद होगा अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक पे या ट्विटर पे फॉलो करते होंगे तो उन्होंने अभी एक कल या परसों एक ट्वीट किया था, मैंने देखा था और उस समय एडिटोरियल भी नहीं आया था, कि जो रॉकेट जो अभी अटैक हुए हैं अपना तो सुन ही लिया होगा आपने कि यूएस की जो एम्बेसी है बगदाद के अंदर वहां पे अटैक करने की कोशिश करी गई थी, तो उसमें जो रॉकेट्स यूज किए गए थे ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो ईरान के द्वारा दिए गए हैं या ईरान के द्वारा प्लान किए गए हैं, ईरान के यहां से वो रॉकेट्स आए हैं। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, द रॉकेट अटैक्स ऑन द यूएस एम्बेसी इन बगदाद ऑन संडे विच अमेरिकन मिलिट्री लीडर्स कॉल्ड द लार्जेस्ट अटैक ऑन द हाईली फोर्टिफाइड ग्रीन जोन। ये ग्रीन जोन क्या है, पहले थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। ये देखो आपका पहले नक्शा देख लो भैया, ये बगदाद हो गया, इधर तेहरान हो गया, ये ईरान है, ये इराक है, ईरान इराक को साथ ही सुना करो समझा करो। कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा जब वो कासिम सुलेमानी वाला इंसिडेंट हुआ था, मसला था ईरान और यूएस के बीच में, लेकिन बीच में फंसा कौन था, इराक, ठीक है। चलो फिर इसके बाद एक बार और ये ग्रीन जोन देख लो,
ये आपका देखो ग्रीन जोन मतलब क्या है, ग्रीन जोन के अंदर अमेरिका के जो एम्बेसीज हैं यहाँ पे बगदाद के अंदर और बहुत सारी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस आर्टिकल के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उन्होंने बोला कि भैया इसके पीछे कौन है, ईरान है, ठीक है। क्यों बोला मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट पहले समझा देता हूँ, समझ लेना। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है एक साइंटिस्ट जो है ईरान का उसको मार दिया गया था, और उस समय भी एडिटोरियल आया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रोवोक करना चाह रहे हैं। क्यों प्रोवोक करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाइडेन साहब जो है वो अब आएंगे प्रेसिडेंट की तरह, डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी जो है ईरान पसंद नहीं था, तो इसराइल की मदद से उस साइंटिस्ट को असैसिनेट किया गया था, और इसलिए किया गया था कि ईरान जो है उसका जवाब दे जिससे कि यूएस एंड ईरान की रिलेशन खराब हो, फिर बाइडेन जब आए तब फिर कोई रिलेशन जो है सुधर ना पाए। तो अभी उसी को रेसिप्रोकेट करते हुए ईरान ने ये हरकत करी है, जिसको इस आर्टिकल के अंदर जो है राइटर कहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि यार आपको मौका तो देना चाहिए बाइडेन को, बाइडेन आएंगे क्या पता रिलेशन सुधरे, अगर आप इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देंगे तो फिर किस तरीके से रिलेशन सुधरेगा। कुछ दिन पहले ईरान ने ये भी कहा था कि हमें भैया P4+1 कोई सी भी डील दे दो या P5+1 दे दो, हम तैयार हैं, हमारे ऊपर से सैंक्शन हटा लो। लेकिन अगर इस तरह की गतिविधि ईरान के द्वारा करी जाएगी तो भी समस्या है, पर ईरान इस तरह की गतिविधि नहीं करेगा तो भी समस्या है, क्योंकि फिर ईरान के ऊपर प्रेशर माउंट होता है कि यार तुम जवाब नहीं दे रहे हो, तुम कमजोर हो, तुम्हें लोग ऐसे हल्के में ले लेंगे। होता नहीं कोई बार बार आपको मारता रहता है, पीटता रहता है, आप ज्यादा सहने लग जाओ तो लगता है उसको कि भैया बड़े हल्के हो, है ना। ये एक मैरी कॉम का डायलॉग है, मैरी कॉम मूवी का, कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, तो वो वाला मसला है, तो इसलिए जवाब भी देना पड़ता है। तो मैंने आपको शॉर्ट में पूरा आर्टिकल ही बोल दिया है, तो यही सब चीजें इसमें देखो लिखी हुई हैं। जब कासिम सुलेमानी को ईरानी जनरल को मारा गया था यूएस के द्वारा, तो उसके बाद क्या हुआ था, ईरान ने रेसिप्रोकेट किया था इराक के अंदर यूएस के जो बेस थे, उसके बाद से देखने को मिलता है कि इराक के अंदर जो शिया सपोर्टर लोग हैं और जो शिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, वो इराक के अंदर यूएस के अलग अलग जो भी वहाँ पे बेसेस हैं उस पर समय समय पर अटैक करने लगे हैं, और ये मसला आज का नहीं है, काफी समय से चला रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस ने ऑलरेडी अपनी एम्बेसी की साइज वहाँ पे छोटी कर दी है, स्टाफ्स को वापस भेज रखा है, और राइटर जो है वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये जो रिलेशन खराब करने की पूरी जिम्मेदारी है ना ईरान और यूएस के बीच में, इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे अच्छी खासी न्यूक्लियर डील चल रही थी, जबरदस्ती बोल दिया भैया कि ईरान न्यूक्लियर डील जो है उसका वायलेशन कर रहा है ईरान, और ईरान से बाहर आ गए, इस डील से बाहर आ गए, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज नहीं थी, है ना, ठीक है। इसके बाद देखो ईरान जो है आपको पता होगा काफी सारे ऑयल टैंकर्स को भी रास्ते में रोकता है, उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। ईरान की प्रॉक्सीज बहुत सारी हैं, प्रॉक्सीज मतलब जो मिलिटेंट संस्थान होती हैं छोटी छोटी, उनको सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं, तो वो लोग इनके थ्रू ये काम करते हैं। उन साइंटिस्ट का नाम देखो था मोहसेन फखराजादा, इनको ही मारा गया था किसके द्वारा, ऐसा क्लेम किया था ईरान ने कि इसराइल ने मारा है, और इसराइल किसका मित्र है, यूएस का, स्पेशली ट्रंप साहब के मित्र हैं नेतन्याहू जी। तो यहाँ पे ये पूरा इसके पीछे लॉजिक देखा गया था। राइटर लास्ट में यही बोलते हैं कि भैया जो यूएस ने ये हरकत करी थी इसका जो मेन पर्सपेक्टिव था वो यही था कि ईरान इस तरीके कुछ गतिविधि को अंजाम दे जिससे कि जब बाइडेन जी आए तब रिलेशन सुधर ना पाए, और वही हुआ। तो अब ईरान को थोड़ा सचेत रहना चाहिए, और एक आध महीने की बात है, January 20 में शायद शपथ लेना है बाइडेन जी को, तो तब तक वेट करें, क्या पता जो बाइडेन जी आए वो डिप्लोमेसी के थ्रू ईरान और इनके रिलेशन सुधारे, और ईरान जो है वापस पटरी पर आ पाए, और उसके ऊपर से सारे सैंक्शंस जो है वो हट जाएं। तो दिस इज इट गाइस, दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है पता है ना, डिसलाइक करना है, ऐसा नहीं यार, जो मन करे कर दो, पर लाइक भी कर देते थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, बाकी तो आपकी मर्जी है। इसके बाद चलो अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, लर्निंग टू लेट गो। इस आर्टिकल को बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, सिंपल सा इसमें हम कहानी समझने वाले हैं। भारत के अंदर देखो वोडाफोन वाला केस तो आपको याद ही होगा, न्यूज में भी आया है कि सरकार जो है वोडाफोन से भैया खूब सारा टैक्स वसूलना चाहती थी, लेकिन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने कह दिया कि भैया आप जो है ये पैसा नहीं लोगे। अब उसके अगेंस्ट में अपील करेगी सरकार, ऐसा तो अभी न्यूज में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे मामला है दूसरी कंपनी का, इस कंपनी का नाम है आपका कैर, यही था शायद CAIR है ना, एक बार देख लेता हूँ मैं, कैरन है, ठीक है, CAIR, ठीक है। मामला क्या था, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको बस एक बेसिक लॉजिक दे देता हूँ इस पूरे मामले का। सरकार जो है इस फॉर्म से काफी समय से टैक्स का डिस्प्यूट था, सरकार ने इस फॉर्म से जबरदस्ती खूब सारा पैसा वसूल लिया,
और इनका जो वर्क है यहाँ पे भारत में ढंग से चलने नहीं दिया, जिसके चलते वो मामला खराब हो गया। ये कंपनी जो है ये चली गई कहाँ पे, आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कहाँ पे आपकी हेग में है। हेग में इस कंपनी के पक्ष में फैसला आया आर्बिट्रेशन कोर्ट के द्वारा, और $1.4 बिलियन का डैमेजेस भी देने को कहा है भारत की सरकार को, केरिन कंपनी को। ठीक है, अब मामला क्या है, मामला ये कि भैया ये सब तो चलो ठीक है, ये देंगे नहीं देंगे, अभी सरकार डिस्प्यूट कितना लड़ेगी, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब ठीक है। एक तरफ हम चाहते हैं कि भैया हमारा जो इंडिया है वो पूरे विश्व में क्या बने, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बने, जहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट बने, हम चाइना के कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं। बट अगर हम इस तरीके से कंपनियों के ऊपर हरकतें करेंगे जो इंटरनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ पैसा लगा रही हैं, तो क्या भैया कल को कोई आएगा? एक सिंपल सा लॉजिक ले लो, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, मुझे पता है कि भैया कोई एक्स नाम की जगह उत्तर प्रदेश में ऐसी है जहां पर मैं चला गया वहां का डीएम जो है बहुत ज्यादा तंग करेगा बिजनेसमैन को, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि लखनऊ है, लखनऊ में कोई दिक्कत नहीं, लखनऊ में बिजनेस करूंगा। तो यही होगा यहाँ पे भी, आप बनना चाहते हो डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल मार्केट, एक तरफ आप भैया वोडाफोन को तंग किए थे वहां भी आपको दिक्कत हुई, इधर आप इनको तंग किए यहाँ भी आपको दिक्कत हुई। ठीक है, आपको भी एक मामला और याद होगा, टेलीकॉम कंपनी के जो एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, क्या चल रहा था कि टेलीकॉम कंपनी, मामला क्या था कि जैसे जो एयरटेल हो गई या फिर जितनी भी इस तरह की कंपनीज हो गई, ये लोग जो पैसा रेवेन्यू इकट्ठा करते थे टेलीकॉम मतलब अपने मतलब जो नेटवर्किंग से, जो हम मोबाइल फोन के सिस्टम है कम्युनिकेशन से, उसका तो इन्होंने टैक्स पे किया, लेकिन इसके अलावा जो और चीज़ें थी, जैसे कि इन्होंने अपने, आपने देखा होगा कि जो मोबाइल टावर्स होते हैं वो ये लोग लीज पे दे देते हैं, जैसे कि आधा पोर्शन खुद यूज कर रहे हैं, आधा पोर्शन किसी और कंपनी को दे दिया, इस तरीके की और भी चीज़ें ये लोग करते हैं। तो इन पैसों को उन्होंने रेवेन्यू ना दिखाते हुए और इसका टैक्स नहीं पे किया था, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो अलग फंक्शंस थे। तो मामला आपको याद होगा कि भैया कोर्ट में मामला था, तो सरकार जो है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं के पक्ष में फैसला दे दिया था सरकार ये कि भैया इतना पैसा आपको देना है। बट फिर उसमें ये हुआ कि ये कंपनियों ने साफ साफ चेतावनी दे दी कि अगर आप हमसे इतना पैसा एक्स्ट्रा लोगे, ये इसकी बात नहीं हो रही है, मैं आपको वाला केस याद दिला रहा हूँ, अगर आपने कंटेक्स्ट याद होगा तो आप समझ रहे होगे। तो इन कंपनियों ने फिर कहा था कि अगर इतना पैसा लोगे तो भैया हम तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, फिर जियो ही चलाओ इंडिया में, हम सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। इसके बाद फिर सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि आप धीरे धीरे करके इतने साल में इस पैसा को लौटा देना, कोई बात नहीं, क्योंकि भैया अगर ये कंपनियां बंद हो जाएंगी तो फिर से यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म होगा गवर्नमेंट का, और फिर सिर्फ जियो इकलौती कंपनी बच जाती। तो ये तरीके से और भी चीजें हैं, और ये जो है समस्या आज की नहीं है, पहले ही बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे तंग हो चुकी हैं। भारत के टैक्स लॉस को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी एक अच्छी मतलब वो नहीं रहती, इमेज नहीं रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग, जैसे मैं लॉ स्टूडेंट रहा हूँ, तो हम लोग जैसे लिटिगेशन सॉरी मूट कोर्ट होता है जिसमें ट्रायल होते हैं ऐसे ही डेमो वाले, मतलब बिना कोर्ट के आपस में कंपटीशन होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के। तो एक बार इंटरनेशनल ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का मूट चल रहा था और कुछ लोग वहाँ से हमारे यहाँ आए थे, इंडिया में आए थे, तो मेरी एक किसी से एक से बात हो रही थी, तो उन्होंने सीधे बोला कि आपके अंदर टैक्स लॉज, मतलब इंग्लिश में बोला उन्होंने कि टैक्स लॉज आपके यहाँ पे अच्छे नहीं हैं। तो मतलब ये इमेज है हमारी हर जगह। और लेबर लॉस के लिए तो आपने अभी ये कहानी सुनी रहे हो एप्पल वाली जो भी हुआ है, और ये भी सुनी रहे, तो इस तरीके की चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, मैं समझ रहे हो। चलिए, इस सेशन की पीडीएफ पूछ रहे हैं बहुत लोग, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाना है, लिखना है @unacademy और फिर मानवेंद, ठीक है। चलिए, तो फ्रंट पेज ये है द हिंदू का, इसमें कुछ खास आर्टिकल था क्या, ये देख लो, एक इंडिया फाइल्स अपील अगेंस्ट वोडाफोन केस वर्डिक्ट। तो यहाँ भी वही मसला है भैया, यहाँ पे देखो क्या हुआ, डिमांड जो 22,100 करोड़ रुपए की भारत कर रहा था वो मना कर दिया गया था सिंगापुर कोर्ट के द्वारा, जो कि आर्बिट्रेशन कोर्ट है, तो इसके अगेंस्ट में अपील करेगी हमारी सरकार कि हमें पैसा चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है इसमें, है ना। इसके बाद क्या है, केरला वॉन्ट्स कैप ऑन सबरीमाला पिलग्रिम्स। हाँ जी, सबरीमाला ये वही टेंपल है जिसमें बहुत बवाल हुआ था कुछ दिन पहले, ये वही बवाल था जिसमें ये था कि महिलाओं को टेंपल के अंदर एंट्री जो है वो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इस पर काफ़ी बड़ा डिबेट हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। वर्डिक्ट जब पहली बार आया था 4:1 के वर्डिक्ट आया था, जिसमें एक फीमेल जज है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये बात बोला था कि महिलाओं को इसमें एंट्री नहीं देनी चाहिए। उनका ये लॉजिक इसके पीछे ये था, वो ये था, 4 तो फैसला था कि भैया देनी चाहिए और वही बात आगे रखी गई, वही मानी भी गई, लेकिन जो 1 थी वो वुमेन थी और उनका ऐसा कहना था कि भैया हर किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट होते हैं और अगर वहां पे लोग नहीं चाहते हैं या फिर उनके कल्चर में ऐसा नहीं है तो इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए।
और इसके पीछे एक लॉजिक ये दिया जाता है कि मुझे उनका भी नाम याद नहीं आ रहा है जिन गॉड का ये टेंपल है, लेकिन उसमें ऐसा बोला जाता है कि ही वॉज ए ब्रह्मचारी सो ही नेवर वॉन्टेड टू गर्ल कि वो उनके पास आए, तो जब वो नहीं चाहते थे तो फिर आज श्रद्धालु क्यों उनके पास जा रही हैं, ऐसा लॉजिक दिया जाता है। पहले ऐसा है देखो हिंदू रिलीजन में हनुमान जी के लिए भी करते थे कि फीमेल्स जो है वो हनुमान जी की पूजा नहीं करती थी, बट विद टाइम थिंग्स आर चेंजिंग। तो ये है, ठीक है, आज का आपका डे ड्रीम का क्वेश्चन है, ये ले लो, है ना। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के रिलीजियस इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को समय समय पर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और एज ए वुमेन एज ए मैन सभी लोग अपने हिसाब से जवाब दीजिए, और जिन सुप्रीम कोर्ट की जज ने ये डिसीजन दिया था भैया पढ़ी लिखी होंगी, कुछ लॉजिक ही उनका भी होगा, तो उनका लॉजिक भी एक प्रकार से काफी लोगों को सही लगा होगा, कुछ लॉजिक चार वालों को सही लगा होगा जो 4:1 का आया था। तो आज आपका डे ड्रीम का जो क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। मान लो भैया तुम आईएएस हो या कुछ भी हो, तुमसे इंटरव्यू में पूछ लिया, तो डे ड्रीम का क्वेश्चन आपका यही है कि इस तरीके के इंटरफेरेंस जो है सरकार को करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और एग्जांपल आप यही वाला ले लो कि वुमेन्स की टेंपल में एंट्री जो लेके सबरीमाला में मामला हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या न्यूज है तो भूल ही गए अपन, केरला वांट्स कैप ऑन सबरीमाला पिलग्रिम्स। मामला क्या है ना कि देखो यहाँ पे देखो क्या है कि सबरीमाला में लोगों के श्रद्धालुओं की संख्या जो है 5,000 तक करने की बात चल रही थी, इसी के चलते हुए केरला सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि भैया अब तक नया वेरिएंट भी आ गया है COVID-19 का, ये संख्या बढ़ने ना दी जाए, इसको कम करवाए, ठीक है। तो ये था मसला, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक टीम शुड रिसीव प्रायोरिटी फॉर वैक्सीन, ऐसा एक हाउस पैनल ने बोला है। अ पार्लियामेंट्री पैनल हैज रिकमेंडेड पुटिंग एथलेटिक्स कोचेज एंड सपोर्ट स्टाफ गोइंग टू टोक्यो 21 ओलंपिक्स ऑन प्रायोरिटी ग्रुप्स फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन, ठीक है भाई। बात भी सही है क्योंकि भाई जो खिलाड़ी हैं काफी समय से खेले नहीं होंगे, क्रिकेट विकेट तो चलो हो जाते हैं क्योंकि भैया इतने पॉपुलर गेम है, BCCI के पास इतना पैसा है भारत के अंदर, तो ये सब कंडक्ट करा दिया। लेकिन ऐसे ही भारत में गेम है जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं और जिनका ग्राउंड लेवल पे रियलिटी अच्छी नहीं है, तो उन गेम्स को भी प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे भाई मान लो कोई खिलाड़ी है वो 5-6 महीने से फील्ड पे ही नहीं उतरा है, तो भाई वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वैक्सीनेशन हो जिससे जल्द से जल्द ये लोग अपने पुराने वाले लय को पकड़ पाए, ठीक है। क्योंकि क्रिकेट को तो हमने बिल्कुल हवा बना रखा है, चढ़ा रखा है, लेकिन भारत के और गेम को कोई पूछता भी नहीं है। इसके बाद एग्रो पार्क टू कम अप इन सिंगूर, ये जगह जो है कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, दिन नहीं, वेस्ट बंगाल में ये जगह है, आज मैप में जाके देखना कहाँ है, ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में थी। वो ये इसलिए थी 2007-08 के बाद की बात है, टाटा मोटर जो है नैनो का प्लांट यहाँ लगाने वाले थे, काफी ज्यादा लैंड भी एक्वायर कर दिया था, बट काफी बवाल होने के बाद और काफी अपोजिशन ने भी इनके अगेंस्ट बवाल किया कि भैया इतनी जमीन आपने ले ली है ये वो, तो टाटा मोटर्स ने फिर उस प्लांट को यहाँ पे लगाया नहीं था। तो वो जो जमीन थी उसी के ऊपर कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक एग्रो पार्क बनाया जाएगा, एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। आज मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, उसका जवाब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे डे ड्रीम के बाद, वो ये है कि इंडस्ट्रियल पार्क क्या होते हैं, समझो लिखो, नहीं आएगा तो मैं तो हुई, ठीक है। चलिए इसके बाद ऑब्जेक्शन टू न्यू मॉस्क अनटेनेबल, ये क्या है देखो ऐसा शरिया में लिखा, शरिया ठीक है, जो इस्लाम का लॉ है शरिया लॉ, उसमें इस तरीके की कुछ चीज लिखी होगी, वो तो अपन को मुझे इतनी इंटरनली नहीं पता है, बट इस आर्टिकल से जो चीज निकली है वो ये निकली है कि बार्टर और एक्सचेंज के अंदर अगर जो मॉस्क मिलती, जैसे अयोध्या मंदिर के साथ देखो क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि अयोध्या मंदिर तो भैया दे दिया जाए, प्लस जो मॉस्क के लिए 5 एकड़ जमीन जो है इस बोर्ड को दी जाए। तो यहाँ पे देखो कुछ लोग जो हैं इसी इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट जो हैं वो ये कह रहे थे कि बार्टर और एक्सचेंज में आपने लिए है जो अयोध्या जमीन, जो राम जन्मभूमि पे जो मॉस्क बनी थी उसके बार्टर और एक्सचेंज में आपने जमीन को लिया है, जो कि सही नहीं है, ये अपने शरिया लॉ के अगेंस्ट में है, ये प्रोहिबिटेड है। तो उसी पे यहाँ पे जवाब दिया गया है, द क्लेरिफिकेशन वॉज इज इशूड बाय द इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, उन्होंने ये बोला है कि भैया ये कोई बार्टर और एक्सचेंज में नहीं आया है, ये आपको प्रोवाइड करी गई है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने अलग से दिया है, इसमें कोई बार्टर और एक्सचेंज जैसी चीज रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इसके अलावा इसमें कुछ और ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। चलिए बढ़े आगे, और कोई भी किसी चीज को रिलीजियसली मत जोड़ा करो, अगर आप लोगों को सीरियसली आईएएस पीसीएस और ये सब देना है, बनना है, तो अपनी इन सब छोटी छोटी चीजों से बहुत ऊपर उठना होगा और उससे ऊपर उठ के ही आप बन पाओगे, ठीक है।
क्योंकि अगर इस तरीके के आपके विचार होंगे तो आप सोचोगे कि चलो ठीक है मेंस में आप एक्टिंग कर लोगे, मेंस में लिख लिख के सब चीज छुपा लोगे, बट इंटरव्यू इंटरव्यू तक नहीं छुपा पाते हो भाई, बहुत लंबा है इस रास्ता है, और कहीं भी आपके इस तरीके के विचार जो हैं अगर सामने आ गए ना तो आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होना है, चाहे बहुत अच्छा आंसर लिख के आ जाओ। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए कि ऐसे विचार ही ना बनाइए, और बाय द वे डेवलप हो गए तो खत्म करिए, और अगर बाय द वे तब भी नहीं जा रहे हैं तो आंसर एंड इंटरव्यू में तो मत ही दीजिएगा, ठीक है। न्यू कोरोना वायरस वेरियंट फाउंड इन नाइजीरिया अफ्रीका CDC, यहाँ पे भैया जो वेरियंट है वो यहाँ भी पाया गया है। नाइजीरिया की एक और न्यूज अभी न्यूज में थी, आपको याद ही होगा, क्या बताऊँ मैं, है ना, ठीक है। ये अपने एग्जाम के तो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन चलो देश दुनिया में क्या हो रहा है पता रखो। IPL में अभी कितनी टीमें खेलती थी, 7 टीमें खेलती थी, है ना, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और RCB, एक और कोई किंग्स इलेवन पंजाब, है ना। अब 2 टीमें और ऐड हो जाएंगी इस बार से, BCCI पैसा तो कमा ही रही है, क्या जा रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। IPL में अगर 2 टीम और खेलेगी तो क्या फायदा है, हमारे IPL की टीमों में ये बात फिक्स है कि एक टीम के अंदर जो 11 प्लेयर होंगे उसमें 7 इंडियन खेलेंगे, 4 फॉरेनर खेलेंगे, ठीक है। अभी तक तो यही है, सुनने में ही आ रहा है कि इस बार 6 इंडियन और 5 फॉरेनर कर देंगे, जो भी हो, तो इससे क्या होगा, जो भारतीय क्रिकेट के टैलेंट है उनको आगे आने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान और गेम्स में भी दे दिया जाता तो भैया फिर क्या बात थी, है ना, आपको बस हटाने में ध्यान रख कि नेशनल गेम हॉकी है जो कि था भी नहीं, और प्रमोट अमोट ऐसे गेम हो नहीं पाए अपने देश के अंदर, है ना। चलिए तो दिस इज इट गाइस, यही था आज का हमारा सेशन, अपन आंसर राइटिंग वाली चीज डिस्कस करेंगे जो मैंने अभी दिया है, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल एक क्वेश्चन दिया था तो उसमें किसी का आंसर है, ठीक है, 8 लॉज ऑफ लाइफ फॉर सक्सेस, ठीक है। सबसे पहले परसिस्टेंस, सबसे नीचे जो है वो क्या है, परसिस्टेंस, दूसरा रेस्ट, तीसरा पॉजिटिविटी, चौथा अपॉर्चुनिटी, देन ग्रेटफुलनेस, इंट्यूशन, चॉइसेस, जॉब यू लव। बात आपको समझ में आ रही है, अगर ये 8 चीजें आपके अंदर होंगी ना, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छे इंसान से मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उसमें जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। अभी आप लोगों के लिए वो IAS का एग्जाम होगा, PCS का एग्जाम होगा, जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे होंगे वो होगा, कोई 11th 12th में तो भैया 11th 12th का एग्जाम होगा, बट दीज थिंग्स यू शुड इंक्लूड इन योर लाइफ। अब आप कहोगे सर हम तो अभी कोई जॉब ही नहीं करते हैं, भाई तुम अभी क्या करते हो, तुम अभी जो तुम्हें सिंगिंग पसंद है, तुम्हें कुछ पसंद है तो उसको अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा डालो। परसिस्टेंस तो आपको पता ही है, UPSC में कितनी जरूरी है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में कितनी जरूरी है। पॉजिटिव रहो, थोड़ा सा रेस्ट भी लेते रहो, ग्रेटफुल भी रहो, जैसे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ बन जा रहे हो तो ग्रेटफुल भी रहो चीजों के लिए। चॉइसेस हमेशा अच्छे से चूज करो। एक दिन मैंने आपको कहा था, बताया भी था किस तरीके से आप अच्छी चॉइसेस जो हैं वो चूज कर सकते हैं। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं तो हमने एक दिन उसके बारे में डिस्कस किया था, और वो वाला जो पूरा पेज था वो मेरे द्वारा खुद लिखा गया था, आई थिंक आपको याद होगा, मैंने iPad पे लिख के आपको दिखाया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बिना समय गवाए, समय व्यर्थ किए हुए, वैसे भी आप थोड़ा सा लेट हो चुका है, कोई नहीं, लेट हुआ है, लेट आए दुरुस्त आए वो बोलते हैं ना, कोई इश्यू नहीं है। सेशन तो अपन को करना है वो अपन करेंगे, एक बार बस चेक कर लूँ मैं चीज़ें कि सब ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस बात का, जाइए इसको डाउनलोड करिए। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आप इनसे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए। यहाँ पे अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस का, आइकॉनिक का, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। यहाँ पे इस कोड को यूज करिएगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस तो मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट मेंटरशिप के साथ। अब आइकॉनिक एंड प्लस में अंतर क्या होता है, देखो बहुत बेसिक सिंपल सा अंतर है। अंतर बस इतना सा है कि जो प्लस होता है उसमें आप टीचर से पढ़ मतलब डाउट नहीं रिजॉल्व कर सकते हो, बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको जिस भी टीचर से जो भी डाउट होगा वो आप समय समय पे उनके साथ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्राइजेस देखना चाहें देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हमने जो है अभी प्रीलिम्स के मद्देनजर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हम 6 मंथ के अंदर आप लोगों के लिए जो UPSC प्री का कोर्स है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, 28th ऑफ दिसंबर से ये कोर्स जो है वो स्टार्ट होंगे, तो जाइए इन कोर्स को इनरोल करिए जल्द से जल्द, एंड इनसे पढ़ के जो फायदा आपका हो सकता है उसको फायदा प्राप्त करने की कोशिश करिए, ठीक है। सेकंड चीज जो है वो ये है, ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी की प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इस नाम से प्रोफाइल मिलेगी मेरी,
और ये फोटो वहां पे दिखेगी, आप जाइए फॉलो करिए। यहाँ पे मेरी डेली स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है 9 AM पे, मतलब वीक में 4 डेज तो होती है। और टेलीग्राम पे आप मेरे जोड़ सकते हैं अगर इस सेशन के आपको PDF चाहिए, ठीक है। तो ये सारी हमारी रामायण हो चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। एक एडिटोरियल आज हम ये डिस्कस करेंगे। आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे फार्म लॉ से रिलेटेड एडिटोरियल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर वापस से क्यों रिपीट कर रहे हैं। इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं इसलिए इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये भी देख लिया जाएगा, ये भी देख लिया जाएगा, ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, कोई मतलब नहीं है, इधर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, बढ़ते हैं एडिटोरियल्स की तरफ। सबसे पहला देखो जो आर्टिकल आया है वो आया है द फार्मर प्रोटेस्ट ट्रूथ एंड हाफ ट्रूथ। देखो इस वाले आर्टिकल के अंदर ना आपको कुछ नए पॉइंट्स देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग फार्म लॉस, और हम उसी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नए पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, और इन नए पॉइंट्स में कुछ नया पर्सपेक्टिव आप डेवलप कर पाएंगे तो उसको भी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। माइक मुझे नजर, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, द फार्मर प्रोटेस्ट ट्रूथ एंड हाफ ट्रूथ। देखो सबसे पहले ना हम इस आर्टिकल के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, अपने को वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैंने सीधे सीधे वो पॉइंट्स उठाए जो यहाँ पे कुछ नए लगे हैं और जो कुछ बात अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आरटीआर के बारे में एक बहुत विलन टाइप की छवि अभी बन गई है कि जो आरटीआर होते हैं वो एज ए कॉमन बीच में कमीशन एजेंट की तरह काम करते हैं, और आरटीआर जो है वो जो किसान है उससे कुछ कमीशन लेते हैं, जिसके वजह से जो किसान, मतलब क्या बात, क्या पर्सपेक्टिव क्या आ रहा है सामने, पर्सपेक्टिव ये आ रहा है कि भैया किसान की फसल है, किसान सरकार को बेचना चाह रही है, तो बीच में आरटीआर क्यों आ रहे हैं, ये कमीशन एजेंट्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे राइटर जो है वो आरटीआर की इमेज को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर यहाँ पे ये बोलेंगे इस आर्टिकल में कि भैया जो ये मिडिल मैन है ना, ये ऐसा नहीं है कि विलेन है जो आज की डेट में एज ए क्रिएट किया जा रहा है, एक हाइप करी जा रही है। इसका कारण क्या है कि ये ना जो आरटीआ वाला फंक्शन है वो तो करते ही करते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने आपको जब फार्म लॉस पढ़ाए थे मैंने आपको बोला था जो आरटीआज होते हैं इनका फार्मर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, फार्मर के फैमिली रिलेशंस होते हैं इनके साथ। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो आपके बैंक होते हैं वो लोन नहीं देते हैं किसानों को, बट आरटीआज जो है ये उधार दे देते हैं, भाई आप जाओ खेती करो, शादी करानी है आपको शादी कराओ। आपने भी आसपास ऐसा देखा होगा। तो बिसाइड हेल्पिंग इन दिस वाला वर्क, ये बेकिंग में उनकी मदद करते हैं, ग्रेडिंग सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन, उनको नॉलेज पावर को, अगर उनको कोई जानकारी चाहिए होती है किसानों को इनके पास आते हैं, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स भी ये लोग बेचते हैं तो किसान इन्हीं से खरीदते हैं, और पैसा लेना मनी लेंडर का काम तो ये लोग करते ही हैं। अब यहाँ पे देखो मेन बात हो रही है पंजाब और हरियाणा की, पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो उधर ही सबसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे राइटर का ये कि मेरी आरटीआ टुडे जो है ना वो जाट एंड सिख हैं, जो आरटीआ भी हैं साथ साथ किसान भी हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज अभी आरटीआ के बारे में प्रचलित हो रही है कि भैया ये बीच में कमीशन एजेंट हैं और ऐसा ऐसा, तो ऐसी बात नहीं है। जो आपके आरटीआज हैं मोस्टली वो किसान भी होते हैं, मैं भी ऐसे 3-4 आरटीआज को जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है हरियाणा में, उसके फैमिली वाले आरटीआ हैं, तो भाई वो खेती भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है जो इमेज सामने आ रही है, पहली चीज। फिर इसके बाद देखो क्या है, एक दूसरा मुद्दा जो है वो एपीएमसी मंडीज के बारे में कहा जा रहा है कि भैया एपीएमसी मंडीज में कमीशन ली जाती है। आपको मैंने बताया था कि जब किसान एपीएमसी मंडी में फसल बेचेगा तो कुछ परसेंट जो है कमीशन आपकी स्टेट गवर्नमेंट रखती है, कुछ परसेंट जो है वो आरटीआर के पास जाता है। हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, याद है नहीं याद है, जल्दी बताओ, याद होना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें भी हमने क्या देखा, इसमें भी हमने यहाँ पे ये देखा कि भैया आप एपीएमसी मंडी में जो सरकार पैसे ले रही है उस पैसे का सरकार क्या करती। कभी कोई एपीएमसी मंडी गया है तुममें से? नहीं गया है तो यूट्यूब पे देखना, प्रॉपर सड़क बनी होती है, प्रॉपर वॉशरूम की व्यवस्था होती है, प्रॉपर ठहरने की व्यवस्था होती है। जब प्राइवेट मार्केट में कल को जाएंगे तो क्या वहां पे रहने की किसान को व्यवस्था देंगे, क्या किसान को खाने पीने की व्यवस्था देंगे, क्या किसान के लिए इस तरीके की पूरी सोसाइटी जो बनी है काइंड ऑफ जो एपीएमसी मंडी में होती है वो वाली फैसिलिटी मिल पाएगी। तो ये जो कहना है कि भैया जो स्टेट के पॉकेट में पैसा जा रहा है ये बात गलत है, क्योंकि स्टेट उस पॉकेट को अपने जेब में नहीं रख रहा है, वो किसानों के बेटरमेंट के लिए ही लगा रहा है, ऐसा यहाँ पे राइटर बोलते हैं, ठीक है। अब राइटर जो है ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो ट्रूथ इनको लगता है, जो इनको फॉल्स लगता है, जो फॉल्स तो इन्होंने कोई शब्द यूज नहीं किया, इन्होंने हाफ ट्रूथ किया है। हाफ ट्रूथ मतलब जो एक अनजाना बनने की कोशिश करी जा रही है। तो इन्होंने गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ही बोला, इन्होंने फार्मर के पर्सपेक्टिव से ही बोला है, दोनों पर्सपेक्टिव से अपन देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का ट्रुथ क्या है, जो गवर्नमेंट सच बोल रहा है इन राइटर के अकॉर्डिंग। पहला,
गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में सही बोल रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने आज तक जब से आप लोग सांस ले रहे हो, ठीक है, जब तक जब से आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी है, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी भी भारत में एज ए लॉ था? आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी ये बवाल कर रही है, चाहे कांग्रेस ले लो, सबसे सत्ता में तो कांग्रेस ही रही है, इवन उन्होंने भी कभी भी एमएसपी को एज ए लॉ की तरह इंप्लीमेंट नहीं किया है। एमएसपी हमेशा क्या थी? एमएसपी हमेशा एक पॉलिसी है। क्या है? पॉलिसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज क्या? दिस इज अ पॉलिसी। देखो आपको पता है अपना सेशन बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है, तो एमएसपी जिसको नहीं पता है बता देता हूं जल्दी से। एमएसपी जो होता है किसान को गारंटी होती है कि भैया अगर तुम्हारी फसल का मार्केट में रेट बहुत भी कम हो जाए तब भी हम तुम्हें इतना रुपया तो इस फसल का देंगे ही देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो सच है राइटर के अकॉर्डिंग कि अगर ये सरकार एमएसपी को एज ए लॉ की तरह नहीं डाल रही है जो किसान चाह रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एमएसपी को एज ए लॉ आज तक किसी ने नहीं किया है। एमएसपी हमेशा एज ए पॉलिसी की तरह रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखो बात इतनी हुई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस राइटर जो बोलते हैं कि देखो भाई और भी चीजें तो मार्केट में फ्लक्चुएट होती हैं, अब यहां पे मेरे ओपिनियंस नहीं है, सॉरी मेरे पर मत ठोक देना आप लोग। यहां पे राइटर बोलते हैं कि और भी चीजें तो मार्केट में फ्लक्चुएट होती हैं कि नहीं होती। गाड़ियों का दाम बढ़ता है घटता है, सोने का दाम बढ़ता है घटता है, तो क्या जो सोने इंडस्ट्री में जो बंदे हैं अगर सोने का दाम कम हो जाए तो उनको नुकसान नहीं होगा? तो कल को भाई वो भी कहें हमें भी सपोर्ट चाहिए, कल को दूसरे इंडस्ट्री वाले भी कहें जहां पे मार्केट फ्लक्चुएशन होता है। तो राइटर बोलते हैं मार्केट का फ्लक्चुएशन होने दीजिए, और जैसे कि सारा सेक्टर मार्केट फ्लक्चुएशन एक्सेप्ट करता है, सारा सेक्टर जो है मार्केट फ्लक्चुएशन से गुजरता है, तो सेम जाना चाहिए हमारा इसमें भी। और किसानों को भी इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसको होने दें, उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द राइटर। ऐसा गवर्नमेंट का ट्रुथ है। तो यहां पे इन्होंने लिखा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड आल्सो ओबे मार्केट फ्लक्चुएशन, देयर विल बी गुड इयर्स एंड बैड इयर्स, कभी आप बहुत कमाओगे कभी हल्का कमाओगे, एंड एग्रीकल्चर मार्केट फंक्शन एवरीवेयर, ठीक है ये सब बातें लिखी हुई है। इसके बाद देखो एक हमारा जो वो वाला था जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला कि फूड स्टोरेज कर सकते हैं, तो राइटर बोल रहे हैं कि भैया अब हमारे देश में फूड शॉर्टेज नहीं है। तीसरा वाला बिल क्या था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कि आप भैया स्टोरेज कर सकते हो, तो उसी के पक्ष में राइटर लिखते हैं कि जब देश में फूड स्टोरेज की कमी थी, देश जब सेल्फ सफिशिएंट नहीं था फूड ग्रेन्स के लिए, हम बाहरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहते थे, तब समय दूसरा था। अब तो ऐसी बात नहीं रह गई है ना, आज तो हम लोगों ने भैया मतलब भर का काम कर लिया है, मतलब भर के पैसे हमारे देश में किसानों के पास है, मतलब भर के जो आपके हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अनाज, हाँ अनाज जो है वो हमारी सरकार के पास स्टोर है, और लोगों के पास हम लोग इतना सफिशिएंट हैं कि भैया हम लोग जो है 2-3-4-5 साल किसी बिना कंट्री के सहारे भी अपना देश आराम से चला सकते हैं। ये सब क्या है, इन सबको कनेक्ट किया करो, तुझे सीधे कनेक्ट किया करो आत्मनिर्भर भारत से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अब ये सही है, जब पहले जरूरत नहीं थी, जब देश में हालत खराब थी तब ठीक है आप फूड स्टोरेज नहीं करने अलाउ कर रहे थे, बट अब तो करो भाई, अब तो सही है। ठीक है, इसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसकी भी यहाँ पे राइटर जो है तारीफ कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी देख रहे हैं, जब गवर्नमेंट की तरफ से चश्मा इन्होंने पहना है तब ये बात ऐसी कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज ऑल्सो गुड, आप जो है किसान अपने जगह से निकल के बाहर भी जा सकते हैं, और कोई कोई किसान जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दे सकते हैं अपनी जमीन, भैया तुम खेती करो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो राइटर जो है वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है किसानों को पैसा नहीं मिलता, सब्सिडी नहीं मिलती, ऑलरेडी फार्मर्स जो हैं उनको ह्यूज सब्सिडी मिलती है स्टेट से 2-2.5% ऑफ जीडीपी की। ठीक है, राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ह्यूज सब्सिडीज फ्रॉम द स्टेट टू द ट्यून ऑफ 2-2.5% ऑफ जीडीपी, और अगर इसको आप कंपेयर करोगे विश्व के अलग अलग देशों से, जो बड़े बड़े देश हैं वहां पे भी किसानों को इतनी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाती है। एग्जाम्पल देखो राइटर ने कोट किया है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, लैटिन अमेरिका है, जापान है, तो इंडिया के अंदर जो सब्सिडी की रेंज है ना वो 45-50 बिलियन डॉलर है, वहीं यूएस के अंदर वो 20 बिलियन है और ईयू के अंदर 39 बिलियन है, जापान के अंदर 46 बिलियन है। तो देखने को क्या मिला कि इंडिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है किसानों को कंपेटिवली वर्ल्ड की अलग कंट्रीज, इसमें कनाडा जैसे का तो नाम नहीं, सबसे ज्यादा बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं राइटर जो है वो कह रहे हैं हाफ ट्रूथ्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स जो है वो क्या बात, हाफ ट्रूथ है मतलब आधी बात सच है आधी बात सच उनकी नहीं है, मतलब काइंड ऑफ जो कहने का मतलब यही है राइटर का कि गलत जो बात कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स वो क्या कर रहे हैं,
तो दो ही बात इन्होंने यहां पे उठाई है, पहली ये जो एमएसपी के चक्कर में अभी बवाल हो रहा है, तो अब किसान का डिमांड क्या है कि एमएसपी को लॉ की तरह डालो। लेकिन वही राइटर जो है वो यही कहना चाह रहे हैं कि भैया आज तक कभी एमएसपी एज ए लॉ नहीं आया है और पूरे विश्व में एमएसपी लॉ की तरह किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है, तो ये डिमांड करना कि एमएसपी को एज ए लॉ लिया जाए ये अच्छा बात नहीं है और ये एक आप कह सकते हो कि रीजनेबल चीज नहीं है। आप यहाँ पे कहिए कि एमएसपी डालिए, एमएसपी करिए, एमएसपी को एज ए पॉलिसी की तरह इंप्लीमेंट करिए, बट इसको कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता है और ये डिमांड करना जायज नहीं है अकॉर्डिंग टू द राइटर। दूसरा क्या है, दूसरा राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ समय पहले किसान जो है एक बात कर रहे थे, बीच में आंदोलन टाइप का छिड़ गया था जिसमें किसानों ने ये कहा था कि बहुत सारी फसलें जैसे कि शुगर एंड एसेट्रा एसेट्रा वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी बिक रही हैं, बट हमें मजबूरन एपीएमसी मंडी में बेचना पड़ता है। ये कुछ समय पहले किसानों का तर्क होता था, जो आज कुछ संस्थान जो हैं अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही हैं फार्म बिल्स के, उन्हीं में से कुछ का ये कहना था। बट अब क्या हुआ, अब जब सरकार ने आपको अलाउ कर दिया कि भैया ठीक है तुम एपीएमसी मंडी के बाहर जाके भी बेचो, तो अब बवाल क्यों हो रहा है, ये राइटर यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं। अब राइटर जो है वो गवर्नमेंट की कमियां बता रहे कि गवर्नमेंट जो है भैया क्या बात गुमराह कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो राइटर ने यहां बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है